हाँ जी ओके गुड मॉर्निंग सर सिक्योरिटी वैल्यूशन का पार्ट नंबर टू यस सर लेट क्यों हुए उसकी वजह है कि संडे को मेरा टेस्ट था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड का बहुत सारी आंसर शीट आई है लेकिन आगे से आ, आपका डेली डेली रिवीजन आए पक्का है पक्का कुछ प्रॉब्लम्स भी थी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी खैर मुझे सफाई नहीं देनी है अब आपका डेली रिवीजन आएगा आज सिक्योरिटी वैल्यूशन हम खत्म करेंगे पार्ट नंबर टू में जो बचा हुआ बॉन्ड्स का पार्ट था वो खत्म करेंगे और उसके अलावा इक्विटी वैल्यूशन खत्म करेंगे सर इसके बाद कल क्या होगा कल सिक्योरिटी एनालिसिस एक टॉपिक है सिक्योरिटी एनालिसिस जिसमें रन टेस्ट है मतलब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस करके एक टॉपिक है और सर इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो भी आएगा रेशियो के कुछ क्वेश्चन आएंगे यील्ड कर्व कुछ आएगा तो कल इस वीक में क्या होने वाला सिक्योरिटी वैल्यूएशन ये खत्म होगा सिक्योरिटी एनालिसिस खत्म होगा और बिजनेस वैल्यूएशन आएगा इस वीक में बिजनेस वैल्यूएशन इंक्लूडिंग अमेंडमेंट ये चीज आ जाएगी और इन तीन टॉपिक्स का टेस्ट सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सिक्योरिटी एनालिसिस और बिजनेस वैल्यूएशन का टेस्ट संडे को होगा आने वाले संडे को सर पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड का टेस्ट आ, हमको देना है तो जो यूट्यूब में बच्चे देख रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पेपर डाल देता हूँ अपलोड कर देता हूँ क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकिन पेपर चेक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे ही जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर आए मुझे चेक करना है टाइम लगेगा यार तो हाँ चाहोगी तो मैं कल सजेस्टेड भी कल वाले रिवीजन वीडियो में सजेस्टेड भी उसका डाल दूंगा तो एक बार खुद से देख लेना तो स्टार्ट करें यस सर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कल जो किया था उसके आगे चल रहे हैं मतलब पिछले पार्ट नंबर वन में जो किया था सर पार्ट नंबर वन में हमने बॉन्ड किया था थोड़ा बहुत याद दिला देता हूँ बॉन्ड्स में सर सबसे पहले तो हमने इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना सीखा था बिल्कुल सही उसके बाद बॉन्ड्स यील्ड निकालना सीखा वो भी आसान था बॉन्ड ड्यूरेशन से थोड़ा सा मुश्किल हो गया था बॉन्ड ड्यूरेशन सीखा और मॉडिफाइड ड्यूरेशन सीखा बिल्कुल एक ही बात है सर उसके बाद हमने बॉन्ड इम्यूनाइजेशन पढ़ा बस इतना ही किया था ठीक है अब बात कर रहा है ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स सर ये क्या होता है चलो काम करें इट मींस यहां आप हो बॉन्ड होल्डर्स और कंपनी इस टाइप के बॉन्ड्स इश्यू है इस टाइप के कि आप चाहो तो उसे, उसे अगर आप चाहो तो उसे शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो मेरी कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो जब आपका दिल करेगा इट मीन्स चाहो तो कन्वर्ट मत करो आपकी मर्जी इट मीन्स आपके पास दो ऑप्शन है इस बॉन्ड्स में कौन कौन से दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन ये है कि इस बॉन्ड को आप ये मान के चलो कि यार मुझे कन्वर्ट ही नहीं करवाना नॉन कन्वर्टेबल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन है कि आप इसे शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो नो डाउट शेयर्स में कब कन्वर्ट करवाओगे जब शेयर का प्राइस ज्यादा रहेगा तो हम बॉन्ड होल्ड करके रखेंगे इंटरेस्ट लेते रहेंगे और जब शेयर का प्राइस अगर हमको दिखा यार शेयर का तो बढ़ गया तो चलो ना बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर लेते आपकी मर्जी ठीक है तो सर इसमें हमें डिसीजन डिसीजन मेकिंग वैसे होना चाहिए था कि बॉन्ड्स को कब कन्वर्ट करवाए उसके भी क्वेश्चंस है पर तो पहले कुछ शब्द है जिसको हमको समझना पड़ेगा इट मीनस पॉइंट नंबर फोर कर रहे हैं और नाम क्या है ऑप्शनली ऑप्शनली कन्वर्टिबल बॉन्ड्स तो यहां ऑप्शनली कन्वर्टिबल में दो ऑप्शन होते हैं पहला या तो आप इसे शेयर्स में कन्वर्ट करवा लीजिए ठीक है और दूसरा या तो आप कन्वर्ट मत करवाइए इसे मैच्योरिटी तक होल्ड कीजिए एज ए नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अब थोड़ा सा सोचना यह है कि यार कंपनी दो टाइप के बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं सुनना ध्यान से एक जिसे मैं बोल रहा हूं आप कभी कन्वर्ट नहीं करवा सकते आपको बॉन्ड ही रखना पड़ेगा मेच्योरिटी तक दूसरा बॉन्ड जिसको आप शेयर्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हो और चाहो तो आप इसे ना भी कन्वर्ट कराओ किस बॉन्ड का प्राइस ज्यादा रहता है जनरली सर जनरली जिसमें ऑप्शन है बॉन्ड होल्डर को जिसमें ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्ट वो बॉन्ड का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का वैल्यू जनरली ज्यादा होता है इसमें मैंने आगे फ्लोर वैल्यू वगैरह समझाया था तो ये क्योंकि इसके क्वेश्चंस नहीं है तो हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा वो रहेगा वो रहेगा सर इस एग्जांपल को ना भी करें तो चलेगा चलेगा पर ये वाला एग्जांपल आपको करना पड़ेगा एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर ये एग्जाम्पल कर लेते हो सीरियसली बता रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यूं बनेगी यूं बस ध्यान से समझना मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ पढ़ते एक बार तब समझ में बोले एक ऐसा बॉन्ड है जिसको जो कन्वर्टेबल बॉन्ड से, ठीक है भाई जिसका फेस वैल्यू है एक हजार और कूपन मिलेगा टेन परसेंट टेन परसेंट का मतलब सर सौ सौ रुपए कूपन मिलेगा कितने साल तक मिलेगा दस साल तक और दस साल बाद हमको एक हजार मिल जाएगा अगर हम कन्वर्ट नहीं कराते तो ओके अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते तो कन्वर्ट कर लीजिए आपको एक बॉन्ड पे बीस शेयर मिलेंगे हमारी कंपनी के बीस शेयर्स दिए और सर आज एक शेयर की कीमत कितनी है फोर्टी फाइव ठीक है सर इस जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है उसका मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है नौ सौ सत्तर रुपए फिर ये डिविडेंड दिया और दे रखा है ठीक है पर पता नहीं क्यों दिया समझाऊंगा एक बॉन्ड है और कुछ हो जाए कुछ पेपर मिले तो बात समझ में Yes. मान लो ये बॉन्ड है अगर आप ये बॉन्ड खरीदते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो इसे नॉन कन्वर्टेबल की तरह रखो या तो इसे शेयर्स में कन्वर्ट करा लो अगर आप इसे मान के चल रहे हो कि हमको कन्वर्ट ही नहीं करवाना है तो इसकी वैल्यू तो निकाला जा सकता है यस सर इंट्रेंसिक वैल्यू ना यस इंट्रेंसिक वैल्यू हमें कन्वर्ट ही नहीं कराना तो हमें सौ सौ रुपए मिलेगा दस साल तक और दसवें साल में एक हजार रुपए मिल जाएगा यस yes. और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इसको किसकी तरह से ट्रीट कर रहा है नॉन कन्वर्टिबल तो सर डिस्काउंटिंग किससे करेंगे डिस्काउंटिंग हम नॉन कन्वर्टिबल यील्ड से करेंगे ऐसा बॉन्ड जो नॉन कन्वर्टिबल है उसका जो यील्ड है उससे डिस्काउंटिंग कर लेंगे और इससे जो वैल्यू निकल के आएगा उसको बोलोगे आप इंट्रेंसिक वैल्यू या उसी का नाम है स्ट्रेट वैल्यू स्ट्रेट वैल्यू या उसी का नाम है इन्वेस्टमेंट वैल्यू तीन शब्द होते हैं इंटरसिक वैल्यू को तीन शब्द दे रहा हूं इंटरेंसिक वैल्यू बोल सकते हैं स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड भी बोल सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बोल सकते ठीक है और अगर सर हम बॉन्ड खरीद के आज ही कन्वर्ट करा ले तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन वैल्यू कन्वर्ट कराने पे जो मिलेगा उसको कन्वर्जन वैल्यू भी बोलते हैं उसको स्टॉक वैल्यू भी बोलते हैं ठीक है और आपसे दो चीजें पूछा स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड पूछा और स्टॉक वैल्यू बॉन्ड पूछा तो सर आराम से निकल सकता है कि आराम से निकल जाएगा देखो ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है प्राइस है प्राइस 970 प्लीज ये समझना जरूरी है अच्छे से करना बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सर 970 सत्तर हमसे क्या पूछा हमसे पूछा स्ट्रेट वैल्यू स्ट्रेट वैल्यू का मतलब अगर हम कन्वर्ट ना कराए तो इसका बताओ वैल्यू क्या होगा तो सर सिंपल है प्रेजेंट वैल्यू करना सौ रुपए मिलेगा फोर्टीन परसेंट से डिस्काउंटिंग करोगे और हजार लास्ट में मिलेगा तो सेवन नाइनटी टू आया इस सेवन नाइनटी टू का नाम क्या है इंट्रेंसिक वैल्यू बॉन्ड या स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड या इन्वेस्टमेंट वैल्यू ठीक है पर अगर कन्वर्ट करा लेते हैं हम तो हमें 20 शेयर्स मिलेंगे और आज ही कन्वर्ट कराने की बात करो तो सर एक शेयर का प्राइस है फोर्टी फाइव तो उस हिसाब से नौ सौ रुपये प्राइज है इसका नाम क्या है इसका नाम है स्टॉक वैल्यू या इसका नाम क्या है कन्वर्जन वैल्यू बॉन्ड हमें दोनों वैल्यू निकालना कंपेरिजन करना एक्चुअली तो हमने क्या किया हमने क्या किया हमने, क्या किया? हमने उसका करेंट मार्केट प्राइस लिखा आज बॉन्ड कितने में बिक रहा है उसका स्ट्रेट वैल्यू लिखा सेवन नाइन्टी टू और उसका कन्वर्जन वैल्यू लिखा नौ और मैंने क्या बोला था कि बॉन्ड का प्राइस ज्यादा ही रहेगा पक्का ज्यादा रहेगा अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है दो चीजें मैंने आपको अभी निकालना सीखा मैं फॉर्मूला नहीं रटवा सकता आपको कॉन्सेप्ट ही करना पड़ेगा अब क्या क्या पूछा मैंने कहा प्राइस हमेशा ज्यादा रहेगा इन दोनों से ज्यादा रहेगा सर अगर वो इस... स्ट्रेट वैल्यू से ज्यादा है ज्यादा रहना ही था मार्केट प्राइस स्ट्रेट वैल्यू से ज्यादा है तो हम कहेंगे प्रीमियम पर है बॉन्ड प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू क्या है या फिर आपसे बोला जाए कि सर नौ सौ रुपए से भी ज्यादा महंगा है हाँ तो बताओ कितना रुपया महंगा सर सत्तर रुपए तो इसको नाम बोलो परसेंटेज में बता सकते हो सर बता देंगे इसका नाम क्या होगा प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू या प्रीमियम ओवर स्टॉक वैल्यू तो अगर देखोगे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है क्या क्या पूछा ये दोनों तो निकाल लिया मैंने स्ट्रेट वैल्यू निकाल लिया स्टॉक वैल्यू निकाल अब पूछ रहा परसेंटेज परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क अभी नहीं करवा रहा हूं ये मैं बाद में करवाऊंगा अभी रुक जाइए मैं ये करवा रहा हूं प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू या प्रीमियम ओवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू सर कैसे निकलेगा सबसे पहले प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू प्राइस नौ सौ सत्तर है और कन्वर्जन वैल्यू है नौ शर्त है नीचे क्या आएगा नीचे कन्वर्जन वैल्यू आएगा ना क्योंकि कन्वर्जन वैल्यू कन्वर्जन वैल्यू कैसे कितना परसेंटेज ज्यादा है वो निकालना है ओके ऐसे ही प्रीमियम ओवर हमें क्या निकालना इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू है और नीचे भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आएगा तो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर सेवन परसेंट तो चार चीजें अभी मैंने निकालना सिखाया आपको क्या क्या सर एक तो आपने स्ट्रेट वैल्यू सिखाया एक आपने स्टॉक वैल्यू सिखाया और एक प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू सिखाया और प्रीमियम ओवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू सिखाया पर इसका सर करेंगे क्या एक्चुअल में ना यार कंपैरिजन किया जाता है एक और ये कौन सा बॉन्ड है सर ये कन्वर्टिबल बॉन्ड है और एक कन्वर्टिबल बॉन्ड है दूसरी कंपनी का और उसमें हम परसेंटेज निकालते हैं कि ये वाला बॉन्ड कितना ज्यादा महंगा है और दूसरा वाला बॉन्ड कितना ज्यादा महंगा है कन्वर्जन वैल्यू से इट मीन अगर मैं कहूं क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए और एक बॉन्ड देता और बोलता कंपैरिजन करके बताइए और बताइए कौन सा सेलेक्ट करें तब मजा आता पर क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड आते स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कंपैरिजन नहीं आएगा बस यही चीजें जो मैं निकाल रहा हूं ये पूछते जाएगा आपको बताते जाना ठीक है ओके सर तो टोटल मिला के आपको मैंने कितनी चीजें समझाया चार स्ट्रेट वैल्यू स्ट्रेट वैल्यू कन्वर्जन वैल्यू और क्या प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू और प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू यहां तक कोई दिक्कत है क्या अब आगे दिक्कत हो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर शेयर सर ये क्या चक्कर कन्वर्जन पैरिटी प्राइस क्या है सुनना बेटे अगर मैं फॉर्मूला है पैरिटी अगर मैं आज ही बॉन्ड खरीदता हूं तो बताओ कितना रुपया देना पड़ेगा नौ सौ सत्तर नौ सौ सत्तर देना पड़ेगा और इस बॉन्ड को खरीद के आज की आज मैं शेयर्स में कन्वर्ट कराता हूं मान लो आज ही शेयर्स में कन्वर्ट करा देता हूं तो सर बीस शेयर्स मिलेंगे तो उस हिसाब से एक शेयर मुझे कितने का पड़ा नौ सौ सत्तर रुपए का आपने बॉन्ड खरीदा डिवाइडेड बाय तो सर उस हिसाब से आपको जो पड़ा वो फोर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो जबकि एक्चुअल में शेयर का प्राइस क्या चल रहा है सर एक्चुअल में शेयर का प्राइस चल रहा है फोर्टी फाइव फिर से बोल रहा हूँ पैरिटी प्राइस में क्या निकालना चाहता हूं मैं ये निकालना चाहता हूं कि अगर मैं आज ही बॉन्ड खरीद के आज ही शेयर्स में कन्वर्ट करवाता हूं तो मुझे शेयर का प्राइस क्या पड़ रहा है फोर्टी आप अपनी कॉपी चेक करोगे तो उसमें मैंने पेरिटी करवा के बताया अभी मैं यहां नहीं समझा सकता मैं फॉर्मूले पे जा रहा हूं बॉन्ड खरीदा शेयर में कन्वर्ट करवाया तो फोर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो बोला जाता है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर शेयर आज ही हम ओ सी डी बाई करते हैं और आज ही हम शेयर्स में कन्वर्ट कर ले तो हमें शेयर्स कितने का पड़ रहा है फोर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो का इसको बोला जाता है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर शेयर ओके ठीक है सर यहां तक बात समझ रहे अब यार आप सर पागल हो गए हो क्या मीन्स मीन्स यार शेयर्स ही खरीद लो ना क्यों बॉन्ड खरीद रहा हूं मैं बॉन्ड खरीद रहा हूं मैं आज थोड़ी शेयर्स में कन्वर्ट करा रहा हूं मैं सोच रहा हूं कि अगर आज करवाता सर अगर आप आज भी करवा रहे हैं तो भी आपको महंगा पड़ रहा है आपको कितने का पड़ रहा है अगर आप बॉन्ड रूट से जा रहे हो बॉन्ड रूट से कन्वर्टन रूट से तो आपको फोर्टी पड़ रहा है जबकि एक्चुअल में शेयर जो है ना वो कितने का है सर एक्चुअल में शेयर जो है वो कहा गया भाई फोर्टी का है शेयर

और एक्चुअल प्राइस शेयर का पर शेयर लिखा हुआ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कन्वर्जन प्रीमियम और सब परसेंटेज में मांगेगा तो थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई फोर्टी चल जाएगा तो जब महंगा पड़ ही रहा है तो आप खरीद ही क्यों रहे हो आप बॉन्ड क्यों खरीद के शेयर में करो उसकी वजह सुनो भाई साहब मान लो मैं शेयर खरीदता हूँ बिल्कुल ध्यान से समझा मान लो मैं शेयर खरीदता हूँ तो हर साल इनकम तो होगी डिविडेंड की कितने रुपए की इनकम होगी सर दो रुपए मिलेगा अगर मैं शेयर खरीदता हूँ तो और अगर मैं बॉन्ड खरीदता हूँ तो तो सर एक हजार का दस परसेंट आपको हर साल सौ रुपए मिलेगा तो बताओ क्या अच्छा है शेयर खरीदने पे दो रुपया मिलेगा हर साल सर बॉन्ड खरीदने पे सौ रुपए मिलेगा सर ये सौ रुपए एक बॉन्ड का है ना हाँ पर ये तो बीस शेयर्स के बराबर है आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो एक शेयर का एक बॉन्ड से कंपैरिजन नहीं कर सकते तो डिवाइडेड माइ मैं बीस कर देता हूं ठीक है तो, तो भी अगर मैं बॉन्ड खरीदता हूं तो एक शेयर पे मेरी कमाई मालूम है शेयर के हिसाब से इक्विवेलेंट कर रहा हूं तो पांच रुपए की कमाई है और अगर मैं डायरेक्ट शेयर खरीदता हूं तो दो रुपये की कमाई है तो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है ना भाई बॉन्ड खरीदने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है तीन रुपए नो डाउट मैं साढ़े तीन रुपया अगर आप इस एंगल से देख रहे हो तो मैं साढ़े तीन रुपया दे रहा हूं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ साढ़े तीन रुपए पर हर साल का मेरा तीन रुपए की तो कमाई हो रही है इसको बोलते हैं फेवरेबल इनकम पर शेयर फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर हर साल इनकम कितना एक्स्ट्रा हो रहा है सर एक्स्ट्रा हो रहा है तीन रुपए क्या हर साल आएगा यस साढ़े तीन रुपया कब जा रहा है सर आज जा रहा आज तो बताओ साढ़े तीन रुपया कितने साल में रिकवर हो जाएगा एक साल दो साल तीन साल सर हर साल तीन तीन रुपया मिलेगा मैं कह रहा हूँ साढ़े तीन रुपए कितने साल में रिकवर हो जाएगा सर थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय थ्री तो वन पॉइंट कुछ इयर्स आएगा तो खरीद लो आप जो ज़्यादा दे रहे हो वो एक आध दो साल में तो रिकवर भी हो जाएगा क्यों टेंशन ले रहा है तो सर इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पे पीरियड नाम सुना है इट मीन्स अगर देखोगे तो इसको बोला जाता है प्रीमियम पे बैक पीरियड जो प्रीमियम दे रहा है वो दे रहा है वो कितने ईयर्स में रिकवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट अपनी जगह है क्वेश्चन बनाना अपनी जगह और क्वेश्चन आते हैं तो काम काम की चीज याद रखी क्या यस yes. काम काम की चीज क्या याद रखोगे स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड मतलब कन्वर्जन वैल्यू इसके अलावा परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क ये समझाया नहीं है प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू बेस में कन्वर्जन वैल्यू आएगा प्रीमियम ओवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू सर करंट मार्केट प्राइस से कंपैरिजन कर कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ये ये शायद आप फंस जाओ इसमें कि आज ही अगर हम बॉन्ड्स खरीदे और शेयर्स में कन्वर्ट करें तो हमें एक शेयर का प्राइस कितना पड़ा और उसको कंपैरिजन एक्चुअल से कर लीजिए तो वो आ जाएगा कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज में भी निकाल देना और फिर शेयर खरीदते एक्चुअल शेयर खरीदते तो डिविडेंड कितना मिलेगा बॉन्ड खरीदते जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स करना तो इनकम डिफरेंशियल आ जाएगा और फिर प्रीमियम पे बैक पीरियड बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बहुत टाइम लगाया है हमने इसको एक्चुअल में क्लास में तो बेटे मुझे नहीं लगता कि आ, मुझे सारी चीज़ें वापस समझानी है एक चीज़ और समझानी है परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क सर ये क्या है एक बार मैं बताओ मैंने बॉन्ड का पैसा दिया 970 ठीक है सर बहुत खुश क्यों क्योंकि सर हमें शेयर्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं बिल्कुल दिक्कत ये है अगर शेयर का प्राइस गिरा तो आप बर्बाद हो जाओगे शेयर का प्राइस गिरेगा तो बॉन्ड का प्राइस भी तो गिरेगा हाँ शेयर का प्राइस डाउन होगा तो बॉन्ड का भी प्राइस डाउन होगा तो ठीक है ना तो सर ये तो यार बहुत ज्यादा रिस्क है नहीं है नहीं है बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि अगर शेयर का प्राइस गिरेगा तो हम कन्वर्ट ही नहीं करवाएंगे हम इसको ऐसे ही रहने देंगे इट मीनस हमें मालूम है कि सेवन टू से कम बॉन्ड का प्राइस कभी नहीं होगा बॉन्ड का प्राइस 792 से ज्यादा डाउन नहीं होगा अगर डाउन हुआ 970 से तो सात बयानबे तक डाउन होगा उससे ज्यादा डाउन नहीं होगा चाहे शेयर का प्राइस जीरो क्यों ना हो जाए हमें क्या फर्क पड़ा हम कन्वर्ट ही नहीं करेंगे इसको बोला जाता है डाउन रिस्क 970 से 792 तक जा सकता है दिस इज और इसका परसेंटेज तो हम निकाल ही लेंगे तो ये निकाला है परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क करंट मार्केट प्राइस से इंट्रेंसिक वैल्यू का कंपैरिजन करना पर नीचे क्या लिखना है करंट मार्केट प्राइस लिखना है करंट मार्केट प्राइस लिखना है कि फिर स्ट्रेट uh, वैल्यू लिखना है तो मेरे ख्याल से मेरा ख्याल छोड़ो आईसीआई कभी ये करता कभी ये करता कभी दोनों करता प्लीज आप भी दोनों कर देना परसेंटेज ऑफ डाउन रिस्क मांगेगा तो नौ भी से भी कर देना और सात से भी कर ओके okay. मेरी सलाह यह है प्लीज़ आप अपना आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे रिवीजन करने से हो जाएगा नहीं प्लीज़ बना कर देखो क्वेश्चन बनाकर देखो और बना कर देखना है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्लीज़ इसको बनाकर देख लेना ये एल डी आर में जाना ही चाहिए किसी भी हालत में बहुत अच्छा क्वेश्चन एल डी आर जिन क्वेश्चन को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ प्लीज़ उसको एक बार कॉपी में बना कर देख लेना रिक्वेस्ट है मेरी चले आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन नो डाउट कि हमारे ए एफ एम मॉड्यूल का है पर इसको हम नहीं करेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप चाहो तो कैलकुलेटर से कर लेना क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ये भी हमारे ए एफ एम मॉड्यूल का क्वेश्चन है लेकिन हमने बेहतरीन क्वेश्चन कर रखा है तो इसको भी हम नहीं कर रहे हैं आप चाहो तो कैलकुलेटर से बना लेना कैलकुलेटर सर इसको तो कट ही कर दे यस मैंने कहा ना बहुत सारे क्वेश्चन इसको भी कट ही कर दे यस ये सब कट करो सर ये भी कट कर देंगे क्या यस yes. ये भी कट कर देंगे कि यस yes. ये भी कट कर देंगे कि यस yes. सर सेम क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन है ये भी कट करेंगे कि यस yes. ये वाला क्वेश्चन अच्छा है देखना पड़ेगा क्वेश्चन अच्छा है और ये आपके ए एफ ए मॉड्यूल का भी है टी वाई के ट्वेंटी थ्री पेज नंबर फाइव पॉइंट थ्री एट है, है, कुपन कितना है? 12 पर। और हर एक डिबेंचर को आप बीस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो कभी भी कर सकते हो जब आपका दिल करेगा सौ पे मतलब कूपन आएगा सौ का बारह परसेंट और पांच साल में रिडीम्ड होगा इन्वेस्टर्स जनरली रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना है आठ परसेंट ठीक है आठ परसेंट से डिस्काउंटिंग करना है पांच सा लाइफ है एज एन इन्वेस्टर वहन विल यू एक्सरसाइज कन्वर्जन फॉर गिवन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर चार पाँच छह सर समझाओ समझा रहा हूँ सबसे पहला काम करो आप बॉन्ड का प्राइस निकालो वैल्यू निकालो इंट्रेंसिक वैल्यू सर वो निकाल लिया हमने 116 तो भाई शेयर का प्राइस कितना है आज 116 क्या हम कन्वर्ट करा सकते हैं यस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते शेयर्स में कब कन्वर्ट कराओगे जब शेयर का प्राइस ज्यादा रहेगा सर तब और कम से कम इतना रहे कि 116 से ज्यादा रहेगा हमें टोटल

जब शेयर का प्राइस छ रुपए रहेगा तब हम कन्वर्ट करवाए अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नहीं कर रहे सर क्वेश्चन नंबर थर्टी करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर वाला अच्छा क्वेश्चन है पढ़े पढ़ते प्रेफरेंस शेयर्स वाला क्वेश्चन है प्लीज इसको भी करना कॉपी में बनाना और सर पिछला वाला क्वेश्चन वो भी क्वेश्चन अच्छा था उसको भी कॉपी में बना लेना तो लिखा एक्स वाई जेड कंपनी है करंट अर्निंग है तीन रुपए ठीक है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं पांच लाख मतलब सर अर्निंग कितना है टोटल मिलाकर पंद्रह लाख रुपए कंपनी के पास चालीस हजार कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है और शेयर का प्राइस क्या प्रेफरेंस का प्राइस है पचास ठीक है प्रेफरेंस शेयर्स को आप दो शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में आपको दो इक्विटी शेयर्स मिलेंगे और इक्विटी शेयर का अभी प्राइस क्या चल रहा है ट्वेंटी पहले कन्वर्जन वैल्यू मांगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्जन वैल्यू जैसे बॉन्ड्स का कन्वर्जन वैल्यू था वैसे प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगा कन्वर्जन प्रीमियम मांगा है कन्वर्जन प्रीमियम मतलब प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू नीचे कन्वर्जन सर मार्केट प्राइस माइनस ये तो ये तो सर ये आ गया नाइनटीन पॉइंट जीरो फाइव परसेंट बिल्कुल सही ठीक है यहाँ तक तो वन हो गया टू हो गया थ्री में क्या बोल रहा है एज्यूमिंग दैट टोटल अर्निंग जो पंद्रह लाख है वो सेम ही रहेगी तो बताइए ईपीएस क्या आएगा अगर आप कन्वर्जन नहीं करते हो अगर आप कन्वर्जन कर लेते हो तो हमें क्या निकालना है ईपीएस देखते हैं कितना रहेगा पंद्रह लाख पर लाख अगर हम कन्वर्जन नहीं करते तो प्रेफरेंस शेयर पे हमें पचास रुपए पार है और सात परसेंट मतलब एक लाख चालीस हजार डिविडेंड देना पड़ेगा भाई प्रेफरेंस शेयर ईपीएस निकालना तो डिविडेंड तो देना पड़ेगा और सर अगर आपने प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर लिया तो डिविडेंड की जरूरत ही नहीं और डिवाइडेड बाय यहाँ आ गया ये अर्निंग किसके लिए आया सर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए और यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर्स पहले से पाँच लाख ,00 है पर यहां क्योंकि आपने प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करा लिया तो आपके नंबर ऑफ शेयर पांच लाख अस्सी हजार हो जाएंगे तो ईपीएस कन्वर्जन से पहले कितना था टू पॉइंट सेवन टू और कन्वर्जन करवा लेते टू पॉइंट फाइव नाइन तो इसमें ईपीएस ज्यादा आ रहा है ठीक है दूसरा है कि जो अर्निंग्स है जो पंद्रह लाख है अगर वो दस लाख से बढ़ जाता है मतलब पच्चीस लाख अर्निंग हो जाता है तो बताइए ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा ये तो बना लोगे आप ठीक है सर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ड्यूरेशन मांगा है कन्वर्जन ठीक है अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से कर लोगे इसको कर लेना मैंने करवाया भी नहीं इसको क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ये भी अच्छा क्वेश्चन है मांग के आ रहा है सुनना दिया बोले सर एक कंपनी है जिसमें दस परसेंट कूपन है फेस वैल्यू है एक हजार ड्यूरेशन है दस साल मतलब मैच्योरिटी पीरियड है दस साल अभी आठ सौ पचास में ट्रेड हो रहा है एक कंपनी का बॉन्ड्स जो साढ़े आठ सौ रुपए दिख रहा है और बोले जो दूसरी कंपनी है दूसरी कंपनी वहां ये इलेवन पॉइंट एट जीरो परसेंट मतलब सर दूसरी कंपनी में अगर पैसा लगाते हो तो इलेवन पॉइंट एट जीरो परसेंट इसकी कमाई होगी ठीक है ये भी बात समझ में आ रही हमें क्या निकालना मतलब स्प्रेड ऑफ यील्ड निकालना सर मतलब क्या कहना चाहता है कि ये कहना चाहता है कि देखो आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो जिसका प्राइस आठ सौ पचास है उसका पहले यील्ड निकालो और उसका कंपैरिजन सिमिलर कंपनी की यील्ड से करो और उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा स्प्रेड ऑफ इट वाई सर एम निकालना है यस और वाई कितना आ गया थर्टीन पॉइंट सिक्स फाइव और दूसरी कंपनी में यील्ड कितना है इलेवन पॉइंट एट जीरो परसेंट तो बोलो स्प्रेड कितना हो गया अलग क्वेश्चन था थोड़ा सा ओके अब बात है ऑप्शन सर ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड्स है क्या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में भी ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड्स ही था पर उसको मैंने अलग से करवाया क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ज्यादा थे ऐसे बॉन्ड्स जिसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे पोर्टेबल बॉन्ड्स कॉलेबल बॉन्ड्स एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स कॉलेबल तो बॉन्ड पुर्टेबल बॉन्ड क्या सुनना तो ध्यान से पोर्टेबल बॉन्ड्स तो हमारे एग्जाम में आता नहीं है कॉलेबल बॉन्ड्स तो आता जिसको आप बॉन्ड रिफंडिंग भी बोलते ओके कंपनी क्या करती है कंपनी ने आपको कंपनी को पैसों की जरूरत थी उन्होंने आपको बॉन्ड्स इश्यू किया लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं ओके सर बॉन्ड्स इश्यू किया और बॉन्ड्स जब इश्यू किया तो कंपनी ने कहा कि हम आपको पंद्रह परसेंट कूपन देंगे और बॉन्ड का डोरेशन कितना है? टोटल मिलाकर लाइफ कितनी है 25 साल लंबे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं ये bonds. पर दिक्कत ये है यार ठीक पांच साल हुए मान लो और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया टेन परसेंट आप तो फंस गए आपको तो बॉन्ड्स होल्डर को पंद्रह इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा आने वाले 20 साल में भी देना पड़ेगा पांच साल दिया दिया 15 परसेंट लेकिन दिक्कत यह है कि मार्केट में जब रेट 10 परसेंट हो गया तो भी आपको बॉन्ड होल्डर्स को 15 परसेंट देना पड़ेगा कंपनी फंस गई है और क्यों मजबूर है काश ऐसा हो जाता काश ऐसा हो जाता कि जिन लोगों से आपने पैसे उठाए हो फिफ्टीन पे भले ही पच्चीस साल के लिए जैसे ही पांच साल पूरे हुए काश ऐसा हो जाता कि मार्केट से मैं दस परसेंट पे पैसा उठाता और आपको वापस कर देता ऐसा हो जाता है जब बॉन्ड खरीदा जाता है तो उसमें लिख दिया जाता है एग्रीमेंट में कि भाई हम चाहो तो हर पाँच पाँच साल में एक बार रिव्यू करेंगे और हम आपके पैसे वापस कर सकते हैं हम आपके बॉन्ड हमारे बॉन्ड हम वापस खरीद के जैसे बाय होता है वैसे हम बॉन्ड खरीद सकते और आपके पैसे मार्केट से उठा के नए बॉन्ड्स इश्यू करके आपके पैसे वापस करना हम आपको रिफंड करेंगे दिस इज बॉन्ड रिफंड क्योंकि हमारा फायदा है कितने का फायदा दिख रहा है सर पांच परसेंट का फायदा सर बॉन्ड होल्डर तैयार हो जाएंगे कि हाँ जी तैयार हो जाएंगे उसकी वजह मालूम है क्या है जब हम यहां आपको पैसे देंगे ना तो जो मार्केट प्राइस होगा जो फेस वैल्यू होगा उससे ज्यादा ही पैसे देंगे ठीक है तो इसको कौन सा बॉन्ड बॉन्ड बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स तो पुर्टेबल बॉन्ड्स क्या होता है वो मैंने समझाया आप पढ़ लेना समझ में मेरा मुख्य उद्देश्य रिविजन और रिविजन में सबसे पहले क्या चल रहा है कॉलेबल बॉन्ड्स ओके okay. पुर्टेबल बॉन्ड्स के विषय में लिखा है मैंने समझाया भी था इंपॉर्टेंट है कॉलेबल बॉन्ड कॉलेबल बॉन्ड्स में कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो बाय कर सकते हैं बॉन्ड्स किस पे प्राइस पहले ही बता देंगे आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड स्पेसिफाइड पीरियड पांच साल दस साल जो भी हो सकता है और ये ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा सब जब मार्केट में रेट गिरेगा जब मार्केट में रेट कम हो जाएगा तो कम रेट में पैसे उठा के आपको वापस कर देंगे इस पे क्वेश्चन है भाई ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल काम का नहीं है ये वाला क्वेश्चन है और ये है टीवाई के ट्वेंटी फाइव पेज नंबर फाइव पॉइंट थ्री एट क्वेश्चन कर रहे हैं और प्लीज कर लेना एल डी आर क्वेश्चन में लिख लेना इसको अच्छा क्वेश्चन पढ़े बोले एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड उन्होंने 300 मिलियन के बॉन्ड्स 12 परसेंट बॉन्ड्स अभी आउटस्टैंडिंग है और छह साल लाइफ बाकी है ये एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर है और लाइफ कितनी बाकी है छह साल और इंटरेस्ट कितना दे रहे हो बारह परसेंट और कितने के बॉन्ड्स है सर 300 मिलियन के बॉन्ड्स है अब आप इनको पैसे वापस करने का सोच रहे हो तीन सौ मिलियन सिक्स ईयर बॉन्ड्स कैरिंग ए कूपन रेट ऑफ टेन परसेंट इट मीनस सर इनको पैसे वापस करेंगे कि हाँ पैसे कहाँ से वापस करेंगे बोले नए बॉन्ड्स इश्यू कर देंगे और नए बॉन्ड्स जो इश्यू करेंगे वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है टेन परसेंट सिंपल सी बात है टेन परसेंट पे पैसे उठाएंगे और आपको वापस कर देंगे और कितना तीन सौ मिलियन बॉन्ड्स के इश्यू करेंगे ठीक है सर हमारी बचत है आने वाले छह साल तक कितना परसेंट सेविंग हो रहा है सर दो परसेंट सेविंग हो रहा है दिख रहा है आपको बस दिक्कत क्या है जब इन बॉन्ड्स को इश्यू करोगे तो इश्यू कॉस्ट भी लगेगी हमको कितना छ मिलियन ओहो, छ मिलियन का इश्यू कॉस्ट है। ये खर्च नो डाउट कि बाद में बचेगा लेकिन अभी तो छे मिलियन एक्स्ट्रा लग गए है ना यार आपको और सर और क्या लिखा हुआ है ओ, प्रीमियम पर देना पड़ेगा ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या यस एंड द कॉल प्रीमियम इज फोर परसेंट पर इसका मतलब समझ रहे हो इन भाई साहब लोगों को भी 300 मिलियन देना था वैसे इनका 300 मिलियन बनता था बोले हम चार परसेंट ज्यादा देंगे ज्यादा देना पड़ेगा तभी तो ये लोग तैयार हो जाएंगे तो हमको 12 मिलियन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक दिक्कत है डबल खर्चा हो गया तो 6 मिलियन का यहाँ खर्चा है और 12 मिलियन का उधर खर्चा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा और इधर इश्यू कॉस्ट लग गया इसके अलावा नाइन मिलियन द बींगमोटाइज पोर्सन ऑफ इश्यू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड कैन बी रिटर्न ऑफ नो सुनर द बॉन्ड आर कॉल्ड सर मतलब क्या है मतलब ये है जब हमने ये बॉन्ड्स इश्यू किया था तो कुछ खर्चे हुए हो गए इश्यू करते समय तो इश्यू करते समय जो खर्चे होते हैं उसको एक साथ पीएनएल अकाउंट में नहीं डालते टैक्स सेविंग्स होता है ना यार खर्चों पे सर टैक्स सेविंग्स होगा पर उसको हम एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं ऐसा हमारा प्लानिंग था और अभी भी कितना साल बाकी है छह साल तो क्या पूरा की पूरा राइट ऑफ हो गया नहीं अभी भी नाइन मिलियन का राइट ऑफ होना बाकी है खर्च बस एक बात समझना कि जो ओल्ड बॉन्ड्स है एग्जिस्टिंग क्योंकि इनके पैसे आप वापस कर रहे इन बॉन्ड्स को आप खत्म कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं फिर से बोल रहा हूं इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो आज की आज पी एन एल अकाउंट में डेबिट करोगे आज की आज मतलब सर ये सारे के सारे राइट ऑफ करोगे आज पहले ही साल में सर ये बारह मिलियन जो है इसको आज ही राइट ऑफ करोगे इससे टैक्स सेविंग्स होगा और सर अगर ये बॉन्ड्स जो हमने नए इश्यू किए क्या है ये छह साल और चलेंगे हाँ तो भले इसको फिर हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे बस इतनी सी बात है ओके सर पूछ रहा है कि बॉन्ड रिफंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमें क्या एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है हाँ सर ये बारह मिलियन ये एक्स्ट्रा लग रहा है छह मिलियन ये एक्स्ट्रा लग रहा है तो आज कितना एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है और आने वाले छह साल तक दो परसेंट बचेगा तो कंपैरिजन करेंगे और एनपी भी निकालेंगे बस और कुछ नहीं है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कैश आउटफ्लोस पैसा कितना जाए सर ओल्ड बॉन्ड को रिफंड करेंगे तो हमको देना पड़ेगा तीन सौ बारह तीन सौ प्लस बारह ठीक है और आपने बताया है कि इस पर टैक्स सेविंग होगा एक्स्ट्रा कितना जा रहा है बारह मिलियन उस पर टैक्स सेविंग्स आज ही होगा ओल्ड बॉन्ड है उससे रिलेटेड खर्चे तो उस पर तीस परसेंट का टैक्स सेविंग्स तो हमारा फायदा और सर आपने ये बताया था इससे से, related, old से related, जो है है कितना है? 9 million, वो भी आज ही टैक्स सेविंग्स होगा ठीक है।, तो है इसके अलावा सर नए बॉन्ड्स इश्यू करेंगे तो तीन सौ मिलियन आएगा ये भी ठीक है सर इसके अलावा इश्यू कॉस्ट सर इस पर टैक्स अभी नहीं होगा ये तो नए बॉन्ड्स है ना तो इससे रिलेटेड खर्च हुआ छह पैसा तो आज गया सर टैक्स सेविंग्स टैक्स सेविंग आने वाले छह साल में होगा धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे तो आज कितना पैसा जा रहा आज जा रहा है एलेवन पॉइंट सेवन जीरो मिलियन ओके सर कितना पैसा बचाओगे आओ देखते अगर हम ओल्ड बॉन्ड ही यूज करते तो 300 मिलियन का 12 परसेंट हमारा इंटरेस्ट जाता आफ्टर टैक्स कर लो तो सर 25.20 इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स जाता पर नए बॉन्ड्स इश्यू करने की वजह से 10 परसेंट ही इंटरेस्ट जाएगा तो 21 मिलियन ही इंटरेस्ट जाएगा तो सर ये बच रहा है हमारा यस yes. दूसरा न्यू ओल्ड बॉन्ड को अगर हम न्यू बॉन्ड इश्यू नहीं करते तो वो जो नौ मिलियन था अनएमोटाइज एक्सपेंसेस को धीरे धीरे राइट ऑफ करते छः साल में और उस पर टैक्स सेविंग होता थर्टी परसेंट पर हमने न्यू बॉन्ड्स इश्यू किया है तो छः मिलियन का खर्चा था धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे तो थर्टी परसेंट टैक्स सेविंग्स तो पॉइंट थ्री तो यार ये इंटरेस्ट जाएगा लेकिन ये हमारा टैक्स सेविंग्स तो होगा तो इतना जा रहा है अगर हम ओल्ड बॉन्ड यूज करते तो न्यू बॉन्ड्स से इतना जा रहा है तो नेट निकल सकता है कि सर नेट सेविंग्स से है फोर मिलियन पर एन कितने साल तक सेविंग है छह साल तक अब सर पीवीसीआई निकालना तो डिस्काउंटिंग किससे करेंगे या तो डिस्काउंटिंग रेट दिया रहेगा या तो आपको के डी यूज करना पड़ेगा के डी मतलब आज मार्केट में रेट क्या चल रहा है सर टेन परसेंट तो उसको आफ्टर टैक्स कर लीजिए सात परसेंट से डिस्काउंटिंग कर अगर दिया है तो वेल एंड गुड तो सर ये आ गया पीवीसीआई और उसमें से माइनस कर दिया हमने पीवीसीओ तो एनपीवी पॉजिटिव आ गया और एनपीवी पॉजिटिव आ गया तो बॉन्ड शुड बी रिफंडेड सर क्वेश्चन बनाओगे तो होगा नहीं बनाओगे तो नहीं होगा ऐसे करने से रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है प्लीज़ इस क्वेश्चन को बनाना और जब ये क्वेश्चन बन जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्लीज़ इसको भी बनाना और ये बन जाएगा मैंने अच्छे से करवा रखा इसमें है इसमें ओवरलैपिंग पीरियड वीरियड सब कवर्ड है सोल्यूशन आपके सामने आप कर सकते ठीक है बाउंड डिफेंडिंग एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा वो मैंने करवा ओके सर प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन कर फोर्टी फाइव करने की जरूरत है क्या जरूरत नहीं अब बात करते हैं एक्सटेंडेबल सर ये क्या होता है एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स ऐसा है कि वैसे तो मैं बॉन्ड्स इश्यू करूं मैं कंपनी हूं और छह साल के लिए पांच साल के लिए मैंने इश्यू किया छह साल मान लो छह साल के लिए इश्यू किया और किस रेट पे इश्यू किया मान के चलो मैंने आठ परसेंट कूपन दूंगा मैंने आपसे बात कर लिया कि मैं आपको आठ परसेंट कूपन दूंगा कितने पीरियड के लिए छह साल के लिए हालांकि मुझे ज़्यादा पीरियड के लिए ज़रूरत है पर मैंने कहा छह साल के लिए तो इश्यू करो फिर देखते क्या होगा आठ परसेंट अब मैं सोच रहा हूँ अगर सर छः साल बाद मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बारह हुआ तो अच्छा खासा पैसा आपको आठ परसेंट मिल गया था और छे साल बाद बारह परसेंट हुआ तो फिर दिक्कत है ना यार फिर बारह परसेंट पे पैसे उठाओगे क्या जब आपका सस्ते में काम चल रहा था तो छह साल क्यों बोला आपको तो ज्यादा बोलना चाहिए था तो कंपनी के पास और एक ऑप्शन है जब बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं तो उनसे बोलो बॉन्ड होल्डर से कि देखो भैया वैसे तो टोटल पीरियड छ साल है लेकिन हम चाहे तो इसको और छह साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते वो हमारे ऊपर है मतलब कंपनी डिसाइड करेगी कि एक्सटेंड करना है कि नहीं करना और एक्सटेंड कब करोगे जब आठ परसेंट पे आपसे मुझे पैसा मिला है तो मैं चलने दूंगा छह साल बाद देखूंगा रेट क्या अगर रेट मार्केट में ज्यादा है तो चलने दो आठ परसेंट सस्ते में काम हो रहा करो ना यार सस्ते में ठीक है तो इसको कहा जाता है एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स और ये सर ये कब होगा जब रेट बढ़ेगा इस पर एक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है एलडीआर क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको और सर हमारे इंस्टीट्यूट का है कि नहीं है नहीं है डी वाई के लिखा नहीं है ओके एक बार देखें बोले पेट फिट पी एल सी हैज आउटस्टैंडिंग हाई यील्ड बॉन्ड फॉलोइंग फीचर्स दस हजार पाउंड है ठीक है कूपन है दस परसेंट पीरियड है छह साल और कंपनी चाहो तो इसको कितना एक्सटेंड कर सकती है बारह साल और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है आठ सर तो आप बारह परसेंट वाला बॉन्ड क्यों इश्यू कर रहे हो कंपनी पागल हो गई है कि कंपनी पागल नहीं हुई है कंपनी को पैसों की जरूरत है इसलिए तो शब्द लिखा हाई यील्ड बॉन्ड मैं ऐसा बॉन्ड इशू कर रहा हूँ जिसपे मेरे बॉन्ड होल्डर को ज़्यादा कमाई हो रही है मैंने कहा हो जाने दो तो अभी पैसों की जरूरत है कर दो और हमने कर दिया लेकिन हमने लिख दिया हम चाहो तो छः साल और बढ़ा देंगे वैसे तो छः साल के लिए है ठीक है मार्केट में क्या चल रहा रेट आठ हम कितना दे रहे हैं सर हम दे रहे हैं दस क्या बॉन्ड होल्डर खरीद लेंगे पक्का खरीदेंगे बॉन्ड होल्डर पक्का खरीदेंगे चाहे आप एक्सटेंड कर लो बॉन्ड होल्डर को ज्यादा मिल रहा तो वो तैयार हो जाएंगे जो इन्वेस्टर है उसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में छह साल बाद भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आठ परसेंट और वो सोच रहा है यार कंपनी को तो अभी फंसी हुई है कंपनी पैसों की जरूरत है तो वो दस परसेंट दे रहा है ले लो जब छह साल हो जाएगी तो छह साल बाद उसकी कंपनी के भी पास पैसे आ जाएंगे इसलिए तो वो छह साल बोल रहा है तो छह साल बाद उसका अनुमान है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आठ परसेंट ही रहेगा तो बोले कंपनी फिर ना एक्सटेंड नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी क्योंकि कंपनी को अभी पैसों की जरूरत है इसलिए वो दस दे रहा है और इसलिए बोल रही है कंपनी की ठीक है छह साल के लिए जब छह साल हो जाएगी और मार्केट में आठ परसेंट रहेगा तो हो सकता है हो सकता है और होगा ही पक्का आपको कंपनी एक्सटेंड नहीं करेंगी इट मींस इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि यार मुझे छह साल तक ही तो होल्ड करना है छह साल बाद कंपनी पैसे वापस करेंगी वो एक्सटेंड नहीं करेंगी हंड्रेड परसेंट उसको ऐसा लग रहा था इसी अनुमान से वो ये मान के चल रहा कि छह साल तक ही मुझे होल्ड करना है तो उस हिसाब से उन्होंने प्राइज निकाला होगा और निकाला उन्होंने छह साल का ये सब कहानी वही लिखा हूं जो मैं बोल रहा था एक हजार छह साल छह साल तो कितना आ गया है दस हजार नौ सौ तेवीस पाउंड वो देने को तैयार है यहाँ तक ठीक है उसने दिया बहुत खुश है इस क्यों खुश है बोले मैं इतना दे सकता हूँ मैंने दे दिया इतना प्राइस कोई दिक्कत नहीं इसलिए खुश है क्योंकि छह साल तक मैं कमाऊंगा छह साल बाद कंपनी मुझे पैसे वापस कर देगी। क्यों क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आठ परसेंट है टेंशन नहीं बट छह साल बाद क्या हुआ सर छह साल बाद रेट बारह हो गया ओहो तो अनुमान गलत यहाँ कितना पैसा लगाया था दस उसको मालूम था मैं यहीं तक होल्ड करूंगा और यहाँ बॉन्ड बेच दूंगा और क्यों कंपनी पूरा पैसा वापस कर देंगे लेकिन रेट कितना हो गया सर रेट हो गया बारह परसेंट तो कंपनी तो एक्सटेंड कर देगी बॉन्ड को बोले पैसे वापस नहीं करेंगे आपको बेचना है तो मार्केट में बेच दीजिए अगर आपको बेचना है तो मार्केट में बेच दीजिए अब वो बॉन्ड होल्डर सोच रहा है इन्वेस्टर वो मार्केट में बेचना मैं मार्केट गया मार्केट जा रहा बोलते खरीद लो खरीद लो तो सब वैल्यू तो निकालेंगे ना सब लेकिन अब डिस्काउंटिंग किससे करेंगे सर यहां जो इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि रेट यहां बारह परसेंट हो गया तो बारह परसेंट से डिस्काउंटिंग करेंगे और यहां बॉन्ड का प्राइस आ गया नाइन वन एट वन मतलब अगर यहां उसका बॉन्ड अब बिकेगा क्योंकि रेट बढ़ने से बॉन्ड का प्राइस गिर गया अब बिकेगा तो नाइन का बिकेगा खरीदा कितने का दस नौ सौ तेईस बेचना कितने का पड़ेगा नाइन वन एट वन तो सर उसको तो लॉस हो गया यस जो लॉस हो रहा है वो एक्सपेक्टेड लॉस है कार की बात बच्चे करते सर इसका कंपैरिजन इसके साथ कैसे कर सकते क्यों नहीं करेंगे भाई आज खरीद रहे होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपको पता है आज खरीद रहे हो यहां बेच रहे हो तो लॉस हो जाएगा ओके okay, सर और पोटेंशियल लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस आ गया सत्रह सौ बयालीस रुपए प्लीज कर लेना इस क्वेश्चन को रिवीजन में और एक्चुअल क्लास में जमीन आसमान का अंतर होता आप भी जानते हो मैं उतना कॉन्सेप्ट नहीं करवा सकता आपको याद करनी पड़ेगी चीजें कि मैंने क्या क्या बोला था ओके okay. दैट्स इट तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे अब बात कर रहे हैं हम सिक्योरिटी वैल्यूशन की सिक्योरिटी वैल्यूशन नहीं ये है इक्विटी वैल्यूशन गलती से सिक्योरिटी वैल्यूशन ठीक है तो एक वार्टर ब्रेक लेता हूं और फिर स्टार्ट करते हैं। चलो जी तो बात करें सिक्योरिटी वैल्यूशन है क्या सिक्योरिटी वैल्यूशन गलती से लिखा है ये होना चाहिए इक्विटी वैल्यू तो पहले हमने क्या किया था सर पहले हमने किया था बॉन्ड वैल्यूएशन अब बात किसकी हो रही है अब बात हो रही है इक्विटी वैल्यूएशन इक्विटी वैल्यूएशन में एक तो हमको सीखना है वैल्यू ऑफ इक्विटी एक बाईबैक का एक ही क्वेश्चन है और राइट right शेयर्स के बहुत क्वेश्चन है पर उसमें से दो क्वेश्चन हम करेंगे मतलब सर जो टाइम लगेगा वो लगेगा इक्विटी वैल्यूएशन में ठीक है थीक. चले तो सर इक्विटी वैल्यूशन है क्या कुछ नहीं बेटे कुछ नहीं मान लो इतना समझा नहीं सकता मैं मेरा टारगेट है कि मैं शेयर खरीदना चाहता हूं और एक ही साल तक होल्ड करूंगा मतलब मेरा एक ही साल का होल्डिंग पीरियड है तो शेयर का प्राइस कैसे निकाल सकते सर एक साल तक होल्ड करोगे तो एक साल में डिविडेंड मिलेगा ओके और सर बेच देंगे और उसका प्रेजेंट वैल्यू कर देते दिस इज इस... वैल्यू ऑफ इक्विटी बस और कुछ नहीं है वैल्यू मतलब पी जीरो निकालना अगर एक ही साल का होल्डिंग पीरियड है तो एक साल बाद का प्राइस और जो डिविडेंड मिलेगा डिवाइडेड बाय वन का स्किन ठीक है और उसको मैंने एग्जांपल से बताने की कोशिश किया ठीक है तो यहाँ भी वही किया कि यार एक साल बाद शेयर का प्राइस कितना है चार और डिविडेंड है तीस तो मैंने उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो कितना आ गया थ्री इसका मतलब सर हम थ्री दे सकते हैं मैक्सिम और शेयर कितने का बिक रहा है बताओ अंडर प्राइस है क्यों प्राइस सर अंडर प्राइस अंडर प्राइस ना सस्ता है भाई तो खरीद लेना चाहिए दूसरा है परपेचुअल होल्डिंग पीरियड मतलब हम शेयर खरीदेंगे बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है परपेचुअल परपेचुअल डिविडेंड मिलते जाएगा तो सर नो no ग्रोथ ग्रोथ नहीं है तो डिविडेंड जो मिलेगा डिवाइडेड बाय के ठीक है और सर ग्रोथ मॉडल है तो डी वन डिवाइडेड बाय के माइनस जी इसको मैं वापस नहीं करवाऊंगा ये रिवीजन करवा ही क्यों रहा हूँ सर पी जीरो निकालने का फॉर्मूला है डी वन डिवाइडेड बाय के माइनस ठीक है और इस पे मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाया था तो इस मैटर पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँ ओके सर आगे चल रहे हैं यस ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है प्लीज़ ध्यान देना अगर क्वेश्चन में d जीरो दिया है d जीरो दिया है तो सर ग्रोथ ऐड कर देंगे और फिर आंसर निकालेंगे यहाँ तक ठीक है अब क्वेश्चन में ऐसा लगा सपोज ग्रोथ रेट आठ परसेंट हो जाए तो डी जीरो पांच ही लोगे और उसमें वन पॉइंट जीरो एड करोगे यहाँ तक बात समझ में ठीक है सर हम कर रहे थे लेकिन मेरा कहना कि अगर डी वन दिया है डी वन दिया है तो ग्रोथ रेट के चेंज होने से डी वन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्रोथ रेट होता है फ्यूचर का ग्रोथ रेट होता है फ्यूचर का D1 निकलने के लिए कौन सा ग्रोथ निकला रेट लगा है वो हमको नहीं मालूम ना तो D1 में कभी भी चेंज नहीं होगा D1 निकल गया तो निकल गया इट मीनस ये 5.30 ही होगा बात समझ में हाँ सर D0 दिया है तो फिर ग्रोथ रेट में चेंज करके काम कर लेंगे लेकिन एक बार D1 दे दिया तो दे दिया दैट्स इट ग्रोथ के चेंज होने से आप डी में चेंज मत कर देना और सारे बच्चों का दिमाग घूमता है फाइव पॉइंट थ्री जीरो डिवाइडेड बाय कर देगा वन पॉइंट जीरो सिक्स तो सर डी जीरो निकालेंगे और फिर ये वाला ग्रोथ ऐड करेंगे बेकार की बात मत करना डी वन निकल गया तो निकल गया ठीक है जी यही मैंने समझाया ओके अब सर ग्रोथ रेट कितने टाइप का तो ग्रोथ रेट दो टाइप का एक का होता है कंपाउंडेड ग्रोथ रेट मतलब यहां है पांच और पांच साल बाद इतना हो गया डिविडेंड जीरो पांच साल बाद इतना हो गया तो बताओ ग्रो हुआ कि नहीं हुआ हो गया तो बताओ कितने परसेंट से ग्रो सिक्स रेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या होता है सस्टेनेबल खुद के पैसों से रिटर्न अर्निंग को यूज करके बताओ कितना ग्रो करोगे हम बाहर से पैसा नहीं उठाएंगे sustainable. Sustainable मतलब खुद के पैसों से सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है बी इंटू आर बी इंटू आर इस मैटर पर भी मुझे नहीं समझाना ठीक है ओके okay, सर आगे बढ़े सवाल यह है आर कैसे निकलता है रिटर्न ऑन इक्विटी आर अगर देखोगे अब ध्यान से समझना आर कैसे सर शेयर कैपिटल है दस लाख रिजर्व है तीन लाख तो टोटल मिलाकर नेटवर्थ है हमारा तेरह लाख और नेट इनकम है वन लाख फोर्टी थ्री थाउजेंड तो वन लाख फोर्टी थ्री थाउजेंड कमा रहा है तेरह लाख पे तो इ, दिस इज आर रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर पर शेयर कर लीजिए सर तेरा लाख डिवाइडेड बाय दस हजार दिस इज बुक वैल्यू पर शेयर ये दोनों मिलाकर कितना है तेरह लाख हालांकि बुक वैल्यू पर शेयर मर्जर चैप्टर में भी आएगा पर यहां समझ लो तेरह लाख है दोनों मिलाकर और नंबर ऑफ शेयर से दस हजार तो ये कहलाता है बुक वैल्यू पर शेयर और ईपीएस पर शेयर हमको मालूम है और ईपीएस डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर करोगे तो आएगा ग्यारह परसेंट तो हालांकि फॉर्मूला ये है नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी पर ईपीएस वैल्यू पर शेयर करो तो भी आपका आ रह जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी तो सर दो तीन चीज समझाया ग्रोथ रेट समझाया मैंने यह सिंपल टॉपिक था ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन है कि सर ए दिया डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया ये सब जरूरत नहीं है सिंपल क्वेश्चन है आपका बेस बना रहा था इसलिए करवा रहा हूँ मैं सीधा क्वेश्चन पे सर प्राइज अर्निंग रेशो क्या होता है प्राइस अर्निंग रेशो का फार्मूला मालूम है इस प्राइस अर्निंग रेशो से केई का फार्मूला बना अगर प्राइस अर्निंग रेशो दिया है और केई निकालना तो एक फॉर्मूला यूज होता है उसका नाम है वन डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशो इससे बना है ये मैं आपको समझा चूँ ए का और एक फॉर्मूला होता है सी ए पी एम इक्वेशन सर ये भी हमको पता वॉल्टर्स मॉडल पता नहीं यार पर आपके ए एफ एम के मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है आज तक आया नहीं है बाकी वॉल्टर्स मॉडल जिन लोगों को नॉलेज है ई प्लस ई माइनस डी ये डिविडेंड देंगे और जो बचाएंगे उसको इन्वेस्ट करेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू बहुत अच्छे से सी इंटर में करवा रखा है है। या कहीं ना जिस भी टीचर ने करवाया होगा अच्छे से ही करवाया होगा मुझे पूरी चलो क्वेश्चन नंबर नंबर और ये है के पेज हमारे मॉड्यूल का टीवाई के एक बार पढ़े हाँ कंपनी सर। सर, का बुक वैल्यू पर शेयर दिया मतलब सर आर निकालने के काम आएगा और सर रिटर्न ऑन इक्विटी दे दिया है सर आर तो दे दिया तो सर ईपीएस निकालने के काम आ जाएगा और साठ परसेंट रिटर्न करना मतलब सर ये बी हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अठारह परसेंट मतलब सर ये के ही हो गया तो बताइए प्राइस निकालिए डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से ईपीएस कैसे निकलेगा सर बुक वैल्यू पर शेयर रिटर्न है तो ये ईपीएस आ गया ईपीएस का फोर्टी परसेंट आ गया

ग्रोथ रेट है बी इंटू आर दोनों दिया है तो ये ग्रोथ रेट आ गया ठीक है सर ओके okay. बाकी तो आप कर लोगे पी जीरो निकल गए और वॉल्टर मॉडल आपको मालूम है ये डिविडेंड दिया ये बचाया बचाया को इस पर इन्वेस्ट किया और इसका प्रेजेंट वैल्यू किया तो एक सौ तीन पॉइंट थ्री फाइव पता नहीं वॉल्टर मॉडल क्यों दिया है पर दिया है तो प्लीज़ देख लेना आगे बढ़े अच्छा इसमें मैंने कहा आंसर कितना आया वन ज़ीरो थ्री पॉइंट थ्री फाइव अब मैंने एक इक्वेशन बनाया मैंने कहा मान लो हमको वन जीरो थ्री पॉइंट थ्री फाइव प्राइज लाना है तो बताओ डिविडेंड क्या होगा हालांकि डिविडेंड इतना ही आएगा एट पॉइंट टू सिक्स एट पर मैं पूछ रहा हूँ डिविडेंड क्या होगा तो कोई दिक्कत नहीं सर इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ ये रख देंगे बाकी ये सर आंसर कितना आएगा एट पॉइंट टू फाइव वन परसेंटेज में आ जाओगे थर्टी नाइन पॉइंट नाइन टू परसेंट या फोर्टी परसेंट के आसपास देख लेना भैया इसकी आ सकता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री क्या हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है यस yes. क्या है टी वाई के फोर पेज नंबर फाइव पॉइंट थ्री थ्री क्वेश्चन सीरियसली बोलूँ तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन नहीं है पर करना पड़ेगा करेंट डिविडेंड दिया है डी जीरो और डी जीरो भी दिया है सर के का मतलब डिस्काउंटिंग रेट मतलब केई या आरी जो बोलना है बोल दो ग्रोथ रेट दिया प्रेजेंट वैल्यू अब स्टॉक निकालना तो सर ये तो टू पॉइंट फाइव जीरो तो निकल गया या स, तीस रुपए निकल गया इस पॉइंट में दिक्कत नहीं है मुझको इस पॉइंट में दिक्कत है पॉइंट नंबर टू में अब सुनो पॉइंट नंबर टू में क्या है इज इट्स स्टॉक ओवर वैल्यू बताइए अगर स्टॉक का प्राइस थर्टी फाइव है तो ये ओवर वैल्यू है या नहीं है आर दिया है नाइन परसेंट और ईपीएस दिया है दो रुपए पच्चीस अब दिक्कत क्या है ये एक्चुअल में आर नहीं है ये है के तो अब ईपीएस भी दिया है एक्चुअली आर लिख दिया था रिटर्न लेकिन ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन बनाया है इसको वो के मान के बनाया तो आपको केई मानना पड़ेगा K दिया है और ईपीएस दिया है अब ईपीएस दिया है तो प्राइस निकालने के दो तरीके हैं प्राइस अर्निंग रेशियो को यूज करके और प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकालोगे वन डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय के तो सर ये निकला प्राइस अर्निंग रेशो और ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया पच्चीस मतलब प्राइस अर्निंग रेशो कहा लिखा लिखा नहीं है भैया रटना पड़ेगा प्राइस अर्निंग रेशियो को यूज करके आप आंसर निकाल एक ये तरीका स्टॉक का प्राइस है थर्टी फाइव होना चाहिए ट्वेंटी फाइव सर ये ओवर प्राइस है दूसरा अर्निंग ग्रोथ मॉडल बोलता है भाई अर्निंग ग्रोथ मॉडल मतलब सर अर्निंग उनने कितने लिया दो रुपये पच्चीस पैसे ग्रोथ ये वाला उठा लिया और फिर के माइनस जी और के ही तो मैंने बोला ना ये ये भगवान आंसर आ गया नाम दिया उन्होंने अर्निंग ग्रोथ मॉडल आंसर आ रहा थर्टी टू पॉइंट सेवन नाइन अभी भी ये ओवर है इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा बहुत कॉन्सेप्ट है नहीं है सर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव ठीक है सर क्या ये हमारी बुक का क्वेश्चन है यस ए एफ एम के मॉड्यूल का क्वेश्चन है टीवाई के एट पेज नंबर फाइव पॉइंट थ्री पढ़े ग्रोथ रेट है टेन परसेंट ठीक है भाई पैड शब्द लिखा सर ये डी जीरो हो गया और आर एम दिया है और आर एफ दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कंपनी शेयर एस पर सी ए पी एम निकालना है कर लोगे कुछ भी नहीं है ऐसा जो मैं समझ सर फिफ्टी सिक्स में अब कंपनी पेज अच्छा इस टॉपिक में दिक्कत क्या मालूम है ये समझ में नहीं आता कि जो डिविडेंड दिया है वो डी जीरो दिया है कि डी वन दिया सर अगर पेड दिया है तो डी जीरो है अगर एक्सपेक्टेड शब्द दिया है तो डी वन है लेकिन सर ये पेज शब्द दिया है, मतलब क्या है उसमें फिर मतलब कुछ नहीं है आप एजम्शन लिख देना आप डी जीरो लेना चाहते हैं कि डी वन लेना बस और क्वेश्चन बना देना तो सर ये भी हमारे आईसीए का क्वेश्चन है कि यस लोगे आराम से क्वेश्चन फिफ्टी सेवन और फिफ्टी एट एक जैसा क्वेश्चन है फिफ्टी सेवन में नहीं करवा रहा हूं मैं फिफ्टी एट हालांकि जो ICAI है उसमें पेज नंबर फाइव पॉइंट थ्री फोर वो क्वेश्चन कौन सा है फिफ्टी सेवन पर मैं कौन सा करवाऊंगा मैं करवाऊंगा फिफ्टी एटर लिखा है सर द शेयर ऑफ टेंशन फ्री इकोनॉमी शेयर ऑफ टेंसन फ्री इकोनॉमी लिमिटेड इज करेंटलीटेड प्राइज अर्निंग रेशियो का प्राइस वो प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब जो भी ईपीएस होगा सर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस अर्निंग रेशियो से तो मार्केट प्राइस आएगा रिटर्न अर्निंग पर शेयर बीइंग थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इज रुपीज थ्री पर शेयर तो रिटर्न रर्निंग कितना है सर तीन रुपये और रिटर्न रर्निंग परसेंटेज में कितना है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो क्या इससे ई निकल जाएगा यस सर सर तो तीन रुपये जो रिटर्न रनिंग है वो बराबर है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट के तो सर ईपीएस आ गया आठ रुपये आठ रुपये ई और तीन रुपये आपका रिटर्न रनिंग है तो सर डिविडेंड पर शेयर भी आ गया पाँच रुपये मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे सर ईपीएस पी एस इंटू प्राइज रनिंग रेशो करेंगे तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा मार्केट प्राइस कितना आ गया साठ रुपए कंपनीज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट ग्रोथ रेट है बारह परसेंट अगर ग्रोथ रेट बारह परसेंट है तो सर ये ऐसे नहीं निकाल सकते कि के इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय पी रेशियो ये तो मांग रहा है के नहीं बेटे ग्रोथ रेट वाला तो ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो D1 P0 P0 तो सर डिवाइडेड प्लस मालूम है है क्या लेना 5 को हम D0 ले, D1 ले? ICAI ने दोनों ही कर रखा एक में एज्यूम किया कि ये D0 है एक में एज्यूम किया कि डी वन है तो वैसे तो कुछ नहीं दिया तो मैंने इसको डी वन मान लिया और डी वन मान के क्वेश्चन किया तो गे आ गया ट्वेंटी पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज उनका कहना अगर ग्रोथ रेट थर्टीन परसेंट हो तो तो फिर तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में फटाफट से काम हो जाएगा फिर बोल रहा ग्रोथ रेट अगर इतना हो तो फिर ये आंसर है सिंपल था क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिंपल क्वेश्चन है सर नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्या बिल्कुल चलेगा सर क्वेश्चन नंबर 60 में डाउट आ रहा बच्चों को क्वेश्चन नंबर सिक्सटी में बच्चों को दिक्कत है ओके ठीक सर रिस्क फ्री रेट दिया है नाइन परसेंट मतलब सर आर एफ दिया है आर एफ दिया और मार्केट सर आर एम भी दिया है तेरह परसेंट और सर ग्रोथ रेट दिया है सात परसेंट ठीक है जी लास्ट डिविडेंड मतलब डी जीरो दिया है दो तो, और सर बीटा दिया है वन पॉइंट टू प्राइस निकालना इक्वली प्रीमियम प्राइस मतलब वही पहले सी ए पी एम के हिसाब से के ही निकाल लो निकाल लिया और फिर उसको P0 निकालो और ये आ गया इसमें दिक्कत दिक्कत नहीं है दिक्कत है point number two में बताइए फिर से प्राइस क्या होगा आप समझना इसमें दिक्कत क्या अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम बढ़ जाता है दो परसेंट इन्फ्लेशन बढ़ा सर इन्फ्लेशन बढ़ा तो कहां कहां फर्क पड़ेगा आरएफ भी दो परसेंट से बढ़ जाएगा मतलब ये नौ की जगह ग्यारह हो जाएगा और ये भी दो परसेंट से बढ़ेगा मतलब सर तेरह की जगह पंद्रह हो जाएगा और ग्रोथ रेट तीन परसेंट से बढ़ाना तो ग्रोथ रेट सात परसेंट की जगह कितना जाएगा दस परसेंट और बीटा वन पॉइंट थ्री करना है तो सर बीटा का क्या सीन है बीटा यहाँ वन पॉइंट थ्री हो जाएगा वन पॉइंट टू की जगह अब सवाल ये है कि एक समय पर एक ही फैक्टर चेंज करना कि सारे फैक्टर्स को एक साथ चेंज कर एक समय पर सिर्फ इन्फ्लेशन के इन्फ्लेशन बढ़ा के चलो फिर से पीजीरो निकालते हैं फिर इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं फिर सर ग्रोथ रेट को चेंज करके पीजीरो ऐसे करना है कि एक साथ करना इंस्टीट्यूट ने दोनों करवा रखा है चलो दोनों करते हैं पहले उन्होंने इंडिविजुअल बोले मान लो इन्फ्लेशन को भर देख लो तो इन्फ्लेशन का कहाँ फर्क पड़ेगा सर यहाँ और यहाँ बाकी सब चीजें तो सर सिर्फ ग्रोथ रेट को देखना है ग्रोथ रेट को देखना तो सात की जगह कितना हो जाएगा दस और तीसरा बीटा को देखना तो बीटा वन पॉइंट थ्रो तो आंसर आ गया या अल्टरनेटिव आप क्या कर सबको एक साथ चेंज कर दो तो सबको इन्फ्लेशन को भी चेंज किया बीटा को भी चेंज किया और ग्रोथ रेट को भी चेंज किया सर तो एग्जाम में कैसे करके आना दोनों करके जाना भाई सिक्सटी वैसे तो करना चाहिए मल्टीपल ग्रोथ का है लेकिन सर यहाँ वेरिएंस वगैरह दे रखा है मैंने करवाया नहीं है पर आप प्लीज़ कर लेना इसको अच्छा क्वेश्चन है और शायद इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है प्लीज़ कर लेना सिक्सटी टू नहीं भी करोगे तो चलेगा वॉल्टर वॉल्टर आता नहीं है सिक्सटी थ्री नहीं भी करोगे तो चलेगा वाल्टर का था तो सिक्सटी फ़ोर नहीं भी करोगे तो चलेगा बिल्कुल सर सिक्सटी सिक्स इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके ऑलरेडी 68, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके ऑलरेडी सिक्सटी नाइन कुछ नया है कुछ अलग क्वेश्चन नाइन एम का है भाई मार्च दो हजार इक्कीस में आया देखिए एक बार सर ईपीएस दिया ढाई रुपए लास्ट ईयर लिखा मतलब सर ये तो डी जीरो हो गया डी पी दिया है एक रुपया डी जीरो नहीं ई जीरो अर्निंग हो गया तो मतलब ये डी जीरो हो गया सर एक रुपया डी जीरो हो गए रोथ रेट है दो परसेंट और ट्रेडिंग कितना होता है सात सेवन टाइम्स और के ई कितना दिया है फोर्टीन परसेंट मांग क्या आ रहा है भाई मांग क्या आ रहे हो प्राइस अर्निंग रेशियो निकालिए गोर्डन मॉडल से कहना क्या चाहता, कहना ये चाहता है कहना यह चाहता भैया गोर्डन मॉडल से प्राइस निकालो और ई तो दिया हुआ है तो उसके हिसाब से प्राइस अर्निंग रेशो निकालो सिम्बल सर गॉर्डर्न मॉडल से हमने प्राइस निकाला और ईपीएस तो दिया तो उसके हिसाब से प्राइस अर्निंग रेशो निकाल ली दूसरे में वो कहता कि द लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट निकालिए करंट प्राइस अर्निंग रेशो को यूज कीजिए और पहले एमपीएस पी तो सर ये आ गया सत्रह रुपये पचास पैसे और बोले इसको पुट कर लीजिए सत्रह रुपये पचास में ये मालूम है ये मालूम है तो ग्रोथ रेट निकाली अच्छा क्वेश्चन है वैसे और ग्रोथ रेट आ गया सेवन पॉइंट एट फोर प्लीज देख लेना इस क्वेश्चन को वाव अच्छा वाव क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है भाई ठीक है ओके okay, सर. आगे चल रहा सर ये वाला क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है भाई कट कर दो. ओके. टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इसमें सर बेसिकली क्या होता है इसमें कुछ नहीं होता है क्योंकि जब कंपनी नई बनती है इनका क्या कहना है सुना इसमें ऐसा होता है यार कि यार परपेचुअल एकदम से नहीं होता है जब कंपनी नहीं होती है तो एक स्टेज सब स्टार्टिंग होती है तो यार ग्रोथ जबरदस्त होता है स्पीड से बढ़ते हो कहा जाता ना यार ग्रोथ बढ़ना आसान है लेकिन वहां स्टेबल होना मुश्किल है तो शुरू में आप स्पीड से बढ़ते हो और फिर कुछ समय बाद डाउनफॉल आता है और डाउनफॉल आएगा एक लिमिट तक उसके बाद आप स्टेबल हो जाते हो तो वही आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा है कि देखो जाए जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो शुरू में एबनॉर्मल ग्रोथ होता है एबनॉर्मल फिर डाउन हो जाता है और फिर वो स्टेबल हो जाता है इसको बोला जाता है स्टेज वन और इसको बोला जाता है स्टेज टू इसको बोलते टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल सर थ्री स्टेज भी हो सकती है तो अब हमको करना क्या होता है सर हमको ये करना होता क्योंकि हमको यहां पता लग रहा कि परपेचुअल है पांच साल बाद तो सर हम पी फाइव निकालेंगे और उसमें डी सिक्स इन सब का डिविडेंड इसका यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे अब मुझे तो पी जीरो निकालना तो भाई पहले साल जो डिविडेंड मिलेगा दूसरे साल मिलेगा तीसरे साल चौथे साल पांचवे साल और पांचवे साल का प्राइस दिया इन सब का मिलाकर डिस्काउंटिंग करेंगे तो पी जीरो आ जाएगा यही मैंने समझाया सिंपल है, ऐसा है नहीं है कि आपसे बनेगा नहीं तो एग्जाम्पल लिया था एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी भैया ठीक है दो साल तक बारह परसेंट का ग्रोथ है तो बारा बारा बढ़ गया उसके बाद दस परसेंट का ग्रोथ है, दस दस पर है उसके बाद छह परसेंट पर है उसके बाद यहाँ से छह परसेंट है तो चार साल तक पाँचवें साल तक परपेचुअल आ गया तो मुझे P4 निकालना पड़ेगा और P4 के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा D5 तो 7.589 सर ये हमको आता है हम तो सी एंटर से सीख रहे हैं ठीक है सर ये तो हमको समझ में आता है प्लीज आप इसको एक्सप्लेन ना करो तो चलेगा वैसे भी मैं रिविजन करवा रहा हूँ ओके फिर मैंने प्रेजेंटेशन में होता मैं सीधा क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे यस क्वेश्चन नंबर सेवनटी टू नहीं करवा रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन करो सर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री में कोई खास बात है क्या कोई खास बात नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर सर प्लीज करवाओगे कि हाँ सेवेंटी फोर करवाऊंगा सेवेंटी फोर करवाऊंगा देखिए सेवेंटी फोर में क्या खास बात है सर लिमिटेड डिक्लेयर्ड शब्द लिखा है डिक्लेयर्ड का मतलब सर ये डी जीरो हो गए दो तो रुपये पचास और ईपीएस कितना है सात रुपये बोले अर्निंग ऑफ द कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए टेन परसेंट फॉर द नेक्स्ट थ्री इयर्स बोले अगले तीन साल तक अर्निंग दस परसेंट से ग्रो होगा अभी कितना है सात रुपए और ये दस परसेंट से ग्रो हुआ कितने साल तक सिर्फ तीन साल तक और तीन साल बाद तीन परसेंट से बढ़ा है तीन साल बाद तीन परसेंट से बढ़ा पे आउट रेशियो तीन साल तक कितना है सिक्सटी परसेंट नहीं उट रेशो जो शुरू में तीन साल तक है वो सेम रहेगा बोले तो था कितना भाई जितना भी रहा होगा मैंने एक बात समझाया कि डिविडेंड कितना दो रुपए पचास परसेंट अगर अर्निंग शुरू में कितने परसेंट से बढ़ रही है दस परसेंट से ग्रो हो रही है तो डिविडेंड भी दस ही परसेंट से ग्रो होगा और उसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा तो उसके बाद लिखा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा बोले सिक्सटी हो जाएगा इसका मैंने क्या ले लिया सिक्सटी पर ठीक ओके सर तो सर ये क्या निकला ये निकला डी फोर तीन साल के बाद परमानेंट अगर मैं कहूं ये कितने परसेंट से बढ़ेगा सर ये बढ़ेगा कितने परसेंट से दस परसेंट से तो ये भी दस परसेंट से बढ़ेगा सॉरी तीन परसेंट से अगर ये तीन परसेंट से बढ़ेगा तो तीन परसेंट से ये भी बढ़ेगा ठीक है मतलब सर चौथे साल के बाद से ग्रोथ रेट परपेचुअल हो गई यस yes, परपेचुअल तो हम क्या निकालेंगे सर P3 निकाल रहे हैं हम लोग P3 क्यों निकालो क्योंकि यहां से परपेचुअल हो गया ठीक है और 5.758 पॉइंट सेवन फाइव एट के ई माइनस जी किया तो फोर्टी फोर पॉइंट टू नाइन ये क्या निकला P3 अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो इसका 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 और इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के P0 निकल जाएगा स्टेज वन मतलब सर जो डिविडेंड है उसका प्रेजेंट वैल्यू और स्टेज टू इन दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर आ गया थर्टी फाइव पॉइंट टू नाइन ऑलरेडी मैं निकाल चुका क्वेश्चन नंबर सेवनटी फाइव अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव क्या हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है यस yes. फाइव पेज नंबर फाइव पॉइंट देखो एक्स लिमिटेड इज जस्ट डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड सर ये है डिक्लेये जस्ट डिक्लेयर्ड बोला मतलब ये हो गया डी जीरो कितना फोर्टी मिस्टर बी इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड और ऐसा लग रहा ग्रोथ रेट आठ परसेंट से हो बढ़ के कितना हो जाएगा नौ परसेंट ठीक है ग्रोथ रेट मिल गया और जो कि कितने साल तक रहेगा सर तीन साल तक और तीन साल बाद शेयर कितने का बेच देंगे तीन सौ साठ रुपये का तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा पहले साल डिविडेंड मिलेगा दूसरे साल डिविडेंड मिलेगा तीसरे साल डिविडेंड मिलेगा और तीसरे साल के एंड में शेयर बेच देंगे तीन सौ का तो बताइए आप मैक्सिमम प्राइस कितना दे सकते हो थर्टीन परसेंट से डिस्काउंटिंग करना है वैसे तो डी ज़ीरो कितना है फोर्टीन कितने परसेंट से बढ़ेगा नौ परसेंट उंटिंग डिस्काउंटिंग डिस्काउंट तीन सौ साठ को डिस्काउंटिंग तो आंसर आ गया टू एटी एट पॉइंट फाइव सेवन आगे क्या बोल रहा द मैक्सिमम प्राइस मिस्टर बी विल बी विलिंग टू पे इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट नाइन परसेंट ग्रोथ रेट कैन बी मेंटेन इनडेफिनेटली परपेचुअल नाइन परसेंट फिर तो हो गया डी वन डिवाइडेड बाय के माइनस जी डी वन एट पॉइंट फाइव जीरो तो वन भी हो गया टू भी हो गया थ्री क्या बोल रहा है सर थ्री ये बोल रहा है द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स थर्ड ईयर के एंड में प्राइस बताइए अगर ग्रोथ रेट नौ परसेंट होता है और अदर कंडीशन रिमेन सेम बनाया है कि इसको हियर तो सबसे पहले यहां का प्राइस मान और नौ परसेंट के हिसाब से पहले मैंने क्या निकाला डिविडेंड और फिर इससे क्या निकाला डी फोर और फिर कई से तो ये आ गया पी थ्री और उसने तीसरे साल के एंड का प्राइस ही मांगा था ठीक है जी सर क्वेश्चन अच्छा था ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन देख लो देख लो देख लो सेम क्वेश्चन है सर जैसा बनाया था हाँ सेम ही क्वेश्चन है क्या बताया कुछ नहीं बताया सर ईपीएस बताया दो रुपए दस पैसे सर यूरो टू पॉइंट वन दो हजार तीन में रिपोर्टेड मतलब हो चुका है दो रुपए दस पैसे और अर्निंग कितने पंद्रह परसेंट से बढ़ेगी कब से दो हजार चार से दो हजार आठ तक चार पांच छ सात आठ पंद्रह परसेंट से बढ़ेगी अर्निंग और उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड डिविडेंड पेआउट रेशो सेम रहेगा मतलब सर डिविडेंड दिया है क्या सर पॉइंट सिक्स नाइन तो जिस रेशो में अर्निंग बढ़ा रहे हो कितने परसेंट से पंद्रह परसेंट से उसी रेशो में डिविडेंड बढ़ा देना पाँच साल तक ठीक है सर उसके बाद बोल रहा है आफ्टर दो हज़ार आठ के बाद जो अर्निंग है वो छः परसेंट से बढ़ेगी उसकी वजह से डिविडेंड पेआउट रेशो कितना हो जाएगा बोले सिक्सटी फाइव परसेंट हो जाएगा ठीक है भाई तो हमको क्या निकालना सर हमको निकालना पड़ेगा 2008 का प्राइस मतलब एक दो तीन चार पांच हमको P5 निकालना पड़ेगा अफीम P5 निकाल के काम करोगे लेकिन बस इतना है कि यहाँ का के यह अलग आएगा यहाँ का के यह अलग आएगा बोला फर्म है फर्म हैज बीटा ऑफ वन पॉइंट फोर जीरो करेंटली अभी बोले वन पॉइंट फोर जीरो है और बीटा वन पॉइंट वन जीरो हो जाएगा 2008 के बाद तो यहाँ के लिए जो यहाँ तक पहुंचाओगे ना वो 1.10 के हिसाब से के निकालोगे और फिर जब यहाँ से यहां पहुंचोगे तो 1.40 के हिसाब से के निकालोगे ठीक है सर एक बार देख ले क्या सबसे तो पहले डिस्काउंटिंग रेट आफ्टर 2008 बस बीटा चेंज हुआ बाकी सब दिया हुआ है तो वो हमने निकाला 12.30 पॉइंट थ्री जीरो आफ्टर टू डिस्काउंटिंग रेट बिफोर 2008 तो बीटा 1.40 पॉइंट फोर जीरो उसके बाद जो डिविडेंड मिला है हम यही है ना डिविडेंड एक दो तीन चार उसका हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला ये आ गया स्टेज वन और स्टेज टू में जो डिविडेंड मिला होगा कहा है ये निकला उसका प्रेजेंट वैल्यू किस इसी रेट से निकाला पर यहां जो रेट लिया यहां के 2008 के बाद का 12.30 पॉइंट लिया और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया हमारा वैल्यू पर्स ओके okay, सर आगे बढ़े सर थक गए हाँ मैं भी थक गया हूँ पक्का तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई एटी वन तो वैसे ही मैंने कटवा दिया था क्वेश्चन नंबर एटी टू नहीं करना है रिपीट क्वेश्चन है एटी फाइव में मैंने कटवा दिया था और सर ये वाला सेवेंटी सेवन अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है बोनस शेयर्स वाला क्वेश्चन कहाँ है सर ये है टी वाई के फोर्टीन पेज नंबर फाइव पॉइंट थ्री सिक्स अगर जो मॉड्यूल देख रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है सीरियसली वोट इसमें क्या खास बात है कुछ नहीं है सर हमें प्रेजेंट वैल्यू ही निकालना है बस इसमें क्या बोला है कि जब हमने शेयर खरीदा है तो पाँच सौ रुपये प्राइस है पर उसका फेस वैल्यू सौ है डिविडेंड कितना मिलेगा भाई ये बताओ बोले डिविडेंड मिलेगा ट्वेंटी परसेंट ठीक है सौ रुपए का ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी लेकिन बोले हम फोर्थ ईयर में बोनस भी इश्यू करेंगे पांच शेयर के बदले में एक शेयर मतलब सर जिनके पास एक है उनके पास वन पॉइंट टू शेयर हो जाएगा ठीक है और जो एक्सपैंडेड कैपिटल बेस है उस पर भी बोनस डिविडेंड मिलेगा और बोले सेवंथ ईयर के एंड में हम बेच देंगे कितने नौ का बेच देंगे और इंसिडेंटल एक्सपेंसिस परचेज सेल पे कितना लगता है फाइव परसेंट ठीक है और डिस्काउंटिंग किससे करना है बारह परसेंट बताइए हम कितना पैसा दे सकते हैं क्या हमें सबसे पहले क्या है क्या हमें शेयर खरीद लेना चाहिए शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए एनपीवी निकालना सबसे पहले देखो पैसा कितना मिलेगा सर शेयर सौ रुपये का खरीदा बीस परसेंट डिस्काउंट सॉरी डिविडेंड तो बीस रुपये डिविडेंड मिलेगा बीस रुपये डिविडेंड मिलेगा बीस रुपये डिविडेंगे लेकिन सर चौथे साल जो है ना फोर्थ ईयर में अब हमारे पास एक शेयर नहीं रहेगा क्योंकि हमें बोनस भी मिल रहा है बोनस शेयर्स तो अब हमारे पास शेयर्स कितने हो गए 1.2 शेयर्स तो डिविडेंड अब मिलेगा 1.2 शेयर्स पे 24 24 24 24 ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं और उसके बाद नौ सौ के हिसाब से वन शेयर्स भेज देंगे पर खर्च कट जाएगा पाँच परसेंट तो सर हमें नाइन्टी फाइव परसेंट ही मिलेगा तो मतलब हमें 1026 मिलेगा। तो टोटल मिलेगा हमको 563 563.68 जबकि हम शेयर कितने में खरीद रहे हैं ₹500 का शेयर है और खर्च अगर परसेंट और पकड़ लोगे तो भी हमें 38.68 का फायदा है तो हमें शेयर खरीद लेना चाहिए दैट्स इट दूसरा पूछ रहा है कि मैक्सिमम आप शेयर का कितना पैसा दे सकते हैं 563 इंक्लूडिंग एक्सपेंसिस तो बस नहीं शेयर का कितना दे सकते तो बोले एक्स इंटू प्लस एक्सपेंसिस टू फाइव सिक्सटी थ्री तो बोले हम मैक्सिमम दे सकते हैं फाइव थर्टी सिक्स पॉइंट एट फोर ठीक है ओके okay. अच्छा क्वेश्चन है प्लीज इसको भी कर लेना hmm. सेम क्वेश्चन था ये इस पर नहीं जाएगी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स पीयूष लुनकर वाला क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पीयूष लूनकर वाले क्वेश्चन से एक बार एक घंटा उन्नीस मिनट हो चुका है Sir, एक दो क्वेश्चन और कर लेते ना फिर सोचते वाटर ब्रेक चाहिए आपको पढ़े ऐसा ये क्वेश्चन आई वाला है सर आई वाला मतलब समझा रहा हूं बोले पीयूष लुनकर एसोसिएट प्रेजेंटली पे लिखा है तो सर D1 भी ले सकते हैं D0 भी ले सकते हैं यस इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंटली शब्द लिखा है तो इसलिए उसको D0 लिया ठीक है भाई वैसे प्रेजेंटली शब्द लिखा तो D0 ही होना चाहिए एक रुपए पर शेयर डिविडेंड है और यह है बीस रुपए प्राइस है और बोल रहा है कि यार ग्रोथ रेट है बारह ठीक है तो बताओ के क्या होगा निकल जाएगा 17.6 पॉइंट सिक्स परसेंट इसमें कोई इसमें कोई दिक्कत ठीक है इट मींस ये हुआ कि अगर मैं सेवनटीन पॉइंट सिक्स परसेंट रखू ना केई तो आंसर शेयर का प्राइस क्या जाएगा बीस रुपया आ जाएगा सुनना ध्यान से ध्यान से समझना सर तो इसका मतलब यह है कि केई अगर आप सेवेंटी पॉइंट सिक्स परसेंट सेवेंटीन पॉइंट सिक्स परसेंट इस फॉर्मूले में लिखोगे और पी जीरो निकालोगे तो पी जीरो बीस आ जाएगा बिल्कुल बोल रहा है कि पार्ट वन में जो सिचुएशन है आप सुनोगे सपोज डिविडेंड जो है वो बीस परसेंट से ग्रो होता है पांच साल तक बीस परसेंट बीस परसेंट बीस परसेंट और उसके बाद दस परसेंट से ग्रो होगा फॉर एवर <coughs> तो बताइए यही क्या आएगा सर यही निकालना यस डिविडेंड मालूम है हाँ बीस परसेंट बीस परसेंट बीस परसेंट बीस परसेंट ग्रो होगा अभी डिविडेंड कितना है एक रुपए बीस 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 तो किस रेट से डिस्काउंटिंग करे आंसर बीस रुपए आ जाए हमने ट्रायल एंड एरर लगाया था याद का आईवी जीरो इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना था बॉन्ड में पढ़ा है या पी कितना आना चाहिए बीस रेट से डिस्काउंटिंग करे कि आंसर बीस जाए और ये डिविडेंड मैंने निकाला है बीस बीस परसेंट कर तो हमने सबसे पहले अगर इसको देखो तो यही सेवनटीन पॉइंट सिक्स परसेंट आ चुका था इसलिए हमने पहले अठारह परसेंट से डिस्काउंटिंग किया तो आंसर आ गया ट्वेंटी पॉइंट टू थ्री नाइनटीन परसेंट से डिस्काउंटिंग किया तो सेवनटीन पॉइंट एट एट और इसको इंटरपोलेट किया तो आंसर आ गया एटीन पॉइंट वन जीरो दिस इज के ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है अगर मॉड्यूल में चेक करने जाओ तो पूरा एक पेज इसी पे चला गया दो पेज का क्वेश्चन बनाया हमने okay, ओके एक वाटर ब्रेक लेते हैं और करीब हाफ एन आवर और लगेगा कम से कम आधा भी ल, घंटा लग सकता है एक घंटा भी लग सकता कोशिश करूंगा आधे घंटे में खत्म करने ठीक है तो यहां पर रुके हुए एक वाटर ब्रेक लेके आगे बढ़ेंगे चलो तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहा है क्वेश्चन नंबर एटी है हमारे बुक का और सर आईसीएआई मॉड्यूल का आपको मिलेगा क्वेश्चन टी वाई के सिक्सटीन पेज नंबर फाइव पॉइंट थ्री सिक्स अच्छा क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन है एक बार पढ़े क्वेश्चन को यस सर बिकॉज सेम लिमिटेड हैज पैड बोला है तो सर तो डी जीरो रुपए और सर ग्रोथ रेट कितना है छह परसेंट आफ्टर पेइंग डिविडेंड द बोर्ड डिक्लेयर टू डिविडेंड पे करने के बाद बोर्ड ने डिक्लेयर किया कि क्यों ना यार प्रोजेक्ट किया जाए उनका दिल कर रहा है बोर्ड का कि प्रोजेक्ट किया जाए और बोले प्रोजेक्ट कैसे करोगे तो बोले प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे कि हम तीन साल तक डिविडेंड नहीं देंगे शेयर होल्डर को उनका पैसा बचा लेंगे हम आपसे पूछ रहे हैं ये शेयर होल्डर अगर हम आपको तीन साल तक डिविडेंड ना दे और तीन साल बाद ज्यादा डिविडेंड दे तो क्या आप तैयार हो जाओगे और ग्रोथ भी ज्यादा होगा वही बता रहा है क्वेश्चन ऐसा ही है एक्चुअली तो बोले इट इज इज एक्सपेक्टेड दैट प्रोजेक्ट सेम रिस्क ठीक है द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट और जो रिजल्ट है जो फायदा है जो फायदा है वो फोर्थ ईयर से आना स्टार्ट होगा और फिर डिविडेंड दो रुपए पचास पैसे दिया जाएगा और ग्रोथ होगा सेवन परसेंट अभी डिविडेंड कितना दिया जा रहा है दो रुपए और ग्रोथ सिर्फ कितना है सिक्स परसेंट तो क्या शेयर होल्डर आप तैयार हो जाएंगे सर सिंपल है पी जीरो निकालेंगे अगर हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो तो सर पी जीरो आएगा वन जीरो सिक्स परसेंट ग्रोथ रेट लेकर लेकिन हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें डिविडेंड मिलना स्टार्ट होगा दो रुपये पचास कौन से ईयर से सर फोर्थ ईयर से परपेचुअल मतलब यहां से दो रुपए पचास पैसे हमको डी फोर दे रखा है तो सर उसके से हमने दो सौ पचास तो यहां का प्राइस आया तो सर क्योंकि इससे कंपैरिजन करना तो सर P0 निकालेंगे वो आ गया अगर हम प्रोजेक्ट नहीं करते तो एक सौ छह रुपए शेयर का प्राइस और प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो वन नाइन एट पॉइंट फोर सिक्स प्रोजेक्ट करो करो प्रोजेक्ट करने से शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा ठीक है अब दूसरा सवाल ये होता है कि तीन साल तक शेयर होल्डर का घर कैसे चलेगा वो ये कह रहा कि मान लो कोई एक इन्वेस्टर है और दो रुपए के हिसाब से उसको दो हजार रुपए डिविडेंड मिल रहा था अब क्योंकि कंपनी ये बोल रही है कि तीन साल तक डिविडेंड नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलाएगा तो बोले बताइए शो दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज अफेक्टेड बाय बोर्ड ठीक है मार्केट वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो हमने बता दिया ठीक है इसके अलावा ये भी बताना कि इन्वेस्टर जो मेंटेन टारगेट रिसिप्ट जो कि था दो हजार रुपए वो कैसे मेंटेन करेगा पहले तीन साल तक और वो मेंटेन करने के बाद भी उसकी इनकम इनकम जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए इट तो शेयर्स बेचेगा और कोई तरीका नहीं डिविडेंड मिलेगा नहीं तो फिर इनकम कैसे सर शेयर्स बेचेगा और शेयर्स बेचने के बाद भी उसकी इनकम इंप्रूव हो जानी चाहिए वो आपको ये आपको प्रूव करना तो सर देखिए क्या इन्होंने क्या कहा यार पहले बात सिर्फ 2000 रुपए कमाना है तो शेयर सी बेचना पड़ेगा यहां का प्राइस हमने निकाल लिया था कितना 250 पहले साल यहां शेयर्स बेचेंगे पीजीरो ने यहां बेचेंगे तो यहां के प्राइस कितना निकल गया दो सौ चौदह सेकेंड ईयर का यहां का प्राइस तो दो सौ पचास निकाला था कैसे निकला था ये देखो ना दो सौ पचास निकाला था और मैं कह रहा हूं यहां से सॉरी यहाँ दो सौ पचास है तो मुझे यहाँ का प्राइस चाहिए निकल गया सर दो हजार रुपये हमको कमाना है दो सौ चौदह रुपए के हिसाब से तो कितना शेयर्स बेचेंगे नाइन पॉइंट थ्री थ्री शेयर्स मतलब सर दस शेयर बेच दो फ्रैक्शन में तो बेच नहीं सकते और आपको दो हजार चाहिए चाहिए तो सर फिर तो नौ नाइन पॉइंट थ्री थ्री से हमेशा ज़्यादा ही शेयर्स बेचना पड़ेगा दस शेयर्स बेच दो. सर सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर में शेयर का प्राइस मतलब यहाँ का प्राइस निकालना पड़ेगा निकाल लेंगे सर टू थर्टी वन एट पॉइंट नाइन शेयर्स बेच देंगे और सर यहां तो शेयर का प्राइस 250 है तो उस हिसाब से आठ शेयर्स बेच देंगे और हमारा 2000 मिनिमम रिसिप्ट मिल जाएगा हमारे पास शेयर्स कितने बचेंगे थर्ड ईयर इन में नौ और एक शेयर पे दो रुपए पचास पैसे की कमाई तो आपकी कमाई हो रही है टू फोर थ्री टू अगर ये नहीं होता तो हमारी कमाई कितनी हो रही थी दो हजार रुपए ही तो हो रही थी और अब हो रही है टू फोर थ्री टू तो यार इनकम भी तो इंप्रूव हो गई अच्छा सर ये क्वेश्चन वाकई अच्छा क्वेश्चन है ठीक है सर आगे चले क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स एटी सिक्स अच्छा क्वेश्चन है प्लीज इसको ध्यान से करना एटी सिक्स अच्छा क्वेश्चन ओके okay, सर ये आया हुआ भी है कई बार एटी सिक्स जैसे और दो क्वेश्चन है पर एटी सिक्स अच्छा बोले सर क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स करेंट ईपीएस ऑफ वी लिमिटेड चार रुपए ठीक है सर ईपीएस अभी का दिया है और ईपीएस दिया है चार द कंपनी है शोन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रोथ रेट 40% इन इट्स अर्निंग इन लास्ट फ्यू ईयर्स बोले पिछले कई सालों से 40% का ग्रोथ था ठीक है जी और ये अगले पांच साल भी ग्रोथ रेट ईपीएस का कितना परसेंट होगा 40% होगा कितने साल तक पांच साल तक

डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फाइव ईयर्स ट्रांजिशन पीरियड विल बी इक्वल एंड लीनियर ये इंपॉर्टेंट है बोले चालीस परसेंट से सीधा दस परसेंट एकदम से नहीं होगा पूरे पांच साल में होगा और इक्वल होगा हर साल कितना होगा कैसे निकाले थे हमने सर चालीस है यहाँ और लास्ट में हो जाएगा दस तो डिफरेंस कितना है सर तीस परसेंट डाउन होगा ऑन एन एवरेज हर साल कितना होगा डिवाइडेड बाई फाइव तो सर हर साल छह परसेंट डाउन होगा मतलब पहले ग्रोथ रेट यहां तक चालीस परसेंट था फिर अगले साल ई थर्टी फोर परसेंट से बढ़ेगा फिर ट्वेंटी एट परसेंट से बढ़ेगा फिर ट्वेंटी टू परसेंट से बढ़ेगा फिर सिक्सटीन से बढ़ेगा और फिर टेन से बढ़ेगा अभी पे आउट रेशियो कितना है दस परसेंट ठीक है सर और क्या लिखा हुआ है और सेम रहेगा कितने साल तक पाँच साल तक और पाँच साल बाद सिक्स ईयर से जो पे आउट रेशियो वो फिफ्टी परसेंट हो जाएगा सर सीधा फिफ्टी परसेंट नहीं लीनियर मतलब सर दस परसेंट से कितना हो रहा फिफ्टी परसेंट मतलब डिफरेंस कितना है चालीस परसेंट हर साल का कितना ऑन एन एवरेज बोले आठ परसेंट तो पहले साल दस है यहां तक दस है दस से कितना हो जाएगा अठारह अठारह से फिर आठ बढ़ जाएगा इस तरह से ओके okay, मतलब सर स्टेप बाई स्टेप काम होगा यस yes. और डिस्काउंटिंग रेट है 17 परसेंट और फैक्टर दे रखा इस क्वेश्चन में करना क्या है करना नहीं सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालना इन अर्निंग शुरू के पांच साल तक 40 और फिर 66 परसेंट कम हो जाए और तो यहाँ हमारा ईपीएस हमको मालूम है ईपीएस अभी कितना पांच रुपए साठ पैसे की ईपीएस चेक करो सर ईपीएस है चार ये जीरो पीरियड का है तो चालीस से बढ़ाओ ओके okay, तो सर बड़ा ये फोर्टी से ये फोर्टी से फोर्टी से फोर्टी से, से फिर थर्टी परसेंट इस तरह से ऐसे डिविडेंड पे आउट शुरू में पांच साल तक दस और उसके बाद बढ़ेगा से तो डिविडेंड पर शेयर भी हमने ये निकाला ठीक है अब यार यहां बच्चों को दिक्कत है बच्चों का ये कहना है सर ग्रोथ रेट हाँ ग्रोथ रेट यहां से यहां से ईयर से ही दस परसेंट हो गया उस हिसाब से हमको पी नाइन निकालना चाहिए कुछ बच्चों का ये कहना कुछ बच्चों का ये कहना कि नहीं सर जो डिविडेंड का ग्रोथ रेट है वो तो यहां से परपेचुअल हो रहा है ना अलग अलग ओपिनियन आईसीए ने क्या किया है पी टेन निकाला भाई इस क्वेश्चन में पी टेन निकालना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है डिविडेंड पे आउट रेस और लॉजिक मैंने आपको बताया भी था क्या वजह है टेन निकालना उसके लिए डी इलेवन चाहिए डी इलेवन निकला और ये आ गया फोर फिफ्टी वन पॉइंट थ्री और फिर तो प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल ही सकते प्लीज अच्छा क्वेश्चन है करके चले जाना इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना है ओवर प्राइस एंडर प्राइस बताना हो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर एटी थ्री है तो सर इसको अब नहीं भी करोगे तो चल जाएगा क्या और क्वेश्चन नंबर एटी फोर भी सेम क्वेश्चन है नहीं भी करोगे तो चल जाएगा कि हाँ ठीक है हालांकि मैंने बनाया है वो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव मत करो गलत किया है इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है बी इन टू आर तो इसकी भी जरूरत नहीं है सिंपल क्वेश्चन ओके तो इक्विटी वैल्यूशन में सबसे पहला वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना सीखा ओके okay. अब आगे चल रहे हैं हम लोग और बात कर रहे हैं बाई बैक वैसे तो होना क्या चाहिए था होना चाहिए था डिसीजन कि बायबैक करे कि नहीं करे लेकिन आज यहां दूसरा ही पूछे यहां क्या बताएगा एक ही क्वेश्चन है और बार बार वो आता प्लीज कर लेना तो दो चीजें याद रखो मार्केट कैप कैसे निकाला जाता सर पता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस मर्जर में पढ़ा हुआ है हालांकि मर्जर का रिविजन नहीं करवाया हूं, पर मर्जर में मार्केट कैप आता है ठीक है सर और एक बात हमको जो करंट मार्केट प्राइस होता है उससे बाईबैक बाई प्राइस ज्यादा ही होता होगा मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे कंपनी जो बाईबैक करेगी वो प्राइस ज्यादा पे बाईबैक करेगी हाँ तभी तो लोग बाईबैक के लिए तैयार हो जाएंगे नहीं तो मार्केट में नहीं बेच देंगे क्या बाईबैक वर्सेस डिविडेंड वाला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है और क्या हमारे आईसीएआई का क्वेश्चन है यस के एटीन पेज नंबर फाइव पॉइंट थ्री यस देखा राहुल लिमिटेड के पास भाई सौ लाख रुपया था ठीक है सौ लाख रुपए अब सौ लाख में से सत्ताईस परसेंट डिविडेंड देना चाहता है मतलब सत्ताईस लाख रुपए डिविडेंड दे सकता है अगर दिल करेगा तो बट कंपनी ने सोचा सब डिविडेंड ना दे के कंपनी के शेयर्स ही बाई बैक कर लेते उससे फायदा क्या मालूम है नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे ठीक है बात सही फाइनेंस मैनेजर ऑफ कंपनी एस्टिमेट दैट की प्राइस दस परसेंट ज्यादा हो जाएगा किससे प्राइस से जितने रुपए में हम एक शेयर शेयर करेंगे के बाद का प्राइस जितने भी रुपए में बाईबैक किया जा रहा है उससे दस परसेंट ज्यादा हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अभी है दस लाख और ईपीएस है तीन तो उस हिसाब से सर तीस लाख की हमारी इनकम है अभी और मार्केट कैप दे दिया है 210 लाख आफ्टर बाईबैक मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या है सर नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बाईबैक क्योंकि तो मार्केट कैप कब का दिया बाईबैक के बाद का सर नंबर ऑफ शेयर बाई बी एस आफ, आफ्टर बाई इज इक्वल टू मार्केट कैप और हमको मार्केट कैप मालूम है ओके नंबर ऑफ शेयर्स पहले से कितने हैं दस लाख हमारे पास पैसा सरप्लस कितना सत्ताईस लाख और कितने में बाई बैक करोगे एक्स में तो सर ये क्या आया ये आया नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बाई बैक के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं सर जो बाई प्राइस है उससे दस ज्यादा रहेगा पोस्ट मर्जर पोस्ट बाई प्राइस और नंबर ऑफ शेयर से इसका मल्टीप्लाई करे तो मार्केट कैप आ जाता है तो इससे एक्स का वैल्यू निकाल लिया ट्वेंटी नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बैक बोला है तो सत्ताईस लाख डिवाइडेड बाय ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन नाइन आंसर आ गए इतने शेयर हम बाईब करेंगे ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा पहले ईपीएस कितना था तीन अब ई कितना हो जाएगा सर तीस लाख की अर्निंग है तीस लाख की अर्निंग मैंने बता दिया था और नंबर ऑफ शेयर पहले थे दस लाख पर बाईबैक कितनी हो गए तो सर ई जो है वो हमारा बढ़ जाएगा ठीक है सर ओके तो ये वाला क्वेश्चन था बाईबैक का प्लीज कर लेना आठ नंबर का क्वेश्चन आता है एटी एट मत करना जरूरत नहीं है नाइन्टी वन भी मत करना सेम क्वेश्चन है एटी नाइन भी नहीं करोगे सेम क्वेश्चन है 90 कर लेना 90 टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था मई 2023 में मई 2023 का मैं आपको पेपर वैसे भी करवाऊंगा मई 2023 का पेपर करवाऊंगा और नवंबर 2023 का पेपर करवाऊंगा पढ़े यस yes. बोले मार्केट कैप है 1500 लाख मार्केट कैप मतलब हमको पता और है और करंट मार्केट प्राइस है रुपए तो सर नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे यस yes. और नंबर ऑफ शेयर्स निकल गया सर एक करोड़ कोई दिक्कत की बात नहीं पंद्रह सौ डिवाइडेड बाय पंद्रह सौ सर पैट दिया है दो सौ करोड़ और बोर्ड सोच रहा है कि ट्वेंटी परसेंट बाईबैक करना है ट्वेंटी परसेंट हमने निकाला तो पॉइंट टू करोड़ का बायबैक करना और कितने में बोले दस परसेंट ज़्यादा देंगे तो पंद्रह सौ रुपये प्राइस है और दस परसेंट बीस परसेंट सर बाई बैक ट्वेंटी परसेंट ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट क्यों लिया भाई गड़बड़ तो नहीं हो गए पंद्रह सौ इंटू वन पॉइंट वन जीरो ये वन पॉइंट वन ज़ीरो सोलह में बाई करेंगे कितना शेयर करेंगे पॉइंट टू इंटू सोलह सौ सो पचास सर तीन सौ तीस करोड़ रुपया की जरूरत है किसके थ्रू लेंगे बोले बैंक के थ्रू लेंगे तो बैंक वाले को हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा इंटरेस्ट कितना सोलह परसेंट तो हर साल का हमारा इतना खर्चा जाएगा ठीक और खर्चा जाएगा तो सर उस पर टैक्स सेविंग्स भी होगा तो ये आ गया पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट मांग क्या रहा सर ईपीएस मांग रहा है प्रॉफिट कहाँ दिया सर दो सौ करोड़ आफ्टर टैक्स है तो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा और बाईबैक के बाद नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएगा तो ये आ गया पोस्ट बाई बैक ईपीएस ठीक है 91 तो मैंने वैसे ही कटवा दिया था पहले ठीक है तो बाई बैक के दो क्वेश्चन है दो में से एक वाला जो पहला करवाया था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके अब बात करते हैं राइट वैल्यूएशन ऑफ राइट राइट शेयर इस अटेम्प्ट में आया था नंबर कब आया था सर नवंबर 2023 में ठीक तो राइट right शेयर्स क्या होता है कुछ नहीं ये तो आपको पता है पर इतनी सी बात समझ लेना कि कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले अधिकार देता है राइट right शेयर्स खरीदने पहले अधिकार देता हालांकि वो जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में आपको मिल जाता है और सर राइट right शेयर के बाद शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है राइट शेयर इश्यू करने के बाद जो शेयर का प्राइस है वो कम हो जाता है ठीक है ये बात हमको समझ में तो एक्चुअल में सर हमको निकालना क्या निकालना कुछ नहीं है निकालना ये है ये हुआ राइट right अनाउंस और ये हो गया राइट right, यहां बीच में है राइट right. सत्तर यहाँ प्राइस कितना था यहाँ था 30 और यहाँ घटके हो गया 27 हो सकता है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा दिस इज वैल्यू ऑफ राइट कुछ है नहीं शेयर का प्राइस बिफोर राइट और शेयर का प्राइस आफ्टर राइट इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है वैल्यू ऑफ राइट और वही पूछता है हमसे ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो सर बात का प्राइस कैसे निकालते हैं बात का प्राइस पहले का प्राइस तो चलो हमको पता बात का प्राइस बात का प्राइस वेटेड एवरेज लॉजिक मैंने आपको दिया है इंट्रेंसिक वैल्यू वाला पर सिंपल वे में कर लो भाई इतना टाइम नहीं है कॉन्सेप्ट समझ लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितना है एक लाख ठीक है सर और एम कितना है चालीस और क्या कर रहे हैं सर पांच के बदले में एक शेयर इशू कर रहे हैं मतलब सर बीस शेयर इशू कर रहे हैं तीस के हिसाब से कम में ही होगा तो क्या वेटेड एवरेज शेयर प्राइस निकाल सकते हो यस सर और जो वेटेड एवरेज शेयर प्राइस निकलेगा वो उसको हम मानेंगे राइट के बाद का प्राइस लॉजिक मैंने आपको दिया है और वो मैंने निकाला एक लाख इंटू चालीस बीस हजार इंटू तीस दोनों मिलाकर तो ये आ गया थर्टी एट पॉइंट थ्री थ्री अभी शेयर का प्राइस कितना था चालीस अभी शेयर का प्राइस है चालीस और ये हो जाएगा थर्टी थी, थी. तो वैल्यू ऑफ राइट कितना आ गया वन वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर और चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे टोटल में या ऐसे भी कर सकते थे पांच के बदले में एक तो पांच इंटू चालीस एक इंटू तीस और ये वेटेड एवरेज आप ऐसे भी कर सकते थे, तो कोई फर्क नहीं तो ये क्या है वैल्यू ऑफ राइट पर वैल्यू ऑफ राइट निकालना है तो वैल्यू ऑफ राइट निकालने का दो तरीके हैं सुनना ध्यान से आप एमपीएस बिफोर राइट एक्स राइट प्राइस मतलब एमपीएस आफ्टर राइट तो ये आ गया 1.66 इसका मतलब क्या है वन राइट शेयर बाय करने के लिए फाइव शेयर का लॉस सहना पड़ेगा सर 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 क्या बोल रहे हो सुनना ध्यान से अब ये कांसेप्ट था कांसेप्ट समझाना जरूरी है सर मेरा एक शेयर का प्राइस डाउन होगा कितने रुपए से 1.66 से पर सर एक राइट right शेयर खरीदने के लिए मुझे पांच शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना यार तो वो पाँच शेयर का लॉस कितना हो रहा है टोटल वो देखो तब हम कहेंगे कि ये एक राइट शेयर का, का वैल्यू है एक राइट शेयर का वैल्यू है या एक राइट का वैल्यू है बात समझ रहे हो ना आप ये एक शेयर पे लॉस हो रहा तो ऐसे तो मेरे पांच शेयर पे लॉस होगा एक राइट शेयर खरीदने के लिए मुझे पांच शेयर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो ये कहलाएगा एक्चुअल में वैल्यू ऑफ राइट एक शेयर पे कितने का लॉस वन पॉइंट सी इसको भी वैल्यूप्राइट पर शेयर बोल देंगे पर इसको बोलेंगे एक्चुअल में ये है ये है है वैल्यू इंस्टीट्यूट दोनों दिखाता है, तो हम दोनों दिखा देंगे तो सर एट पॉइंट थ्री 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 और कैसे निकाल सकते हैं सिंपल है सिंपल है आप सुनना ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सामने वाला खरीदने को तैयार है राइट शेयर ठीक है उसको उसके पास तो कुछ शेयर्स वगैरह नहीं है तो मुझसे बोलता है कि सुनो ना आपके पास आ, राइट right शेयर का अधिकार है मैंने कहा मेरे पास शेयर का लॉस हो रहा है बोले सुनो सुनो ठीक है वो ये कह रहा है कि अगर आप अगर मैं पैसा कितना दोगे पैसा मैं आपको राइट ट्रांसफर करने को तैयार हूं आप पैसा कितना दोगे तो वो हिसाब किताब लगा रहा है कि देखो यार मुझे शेयर कितने का पड़ेगा राइट शेयर कितने का मिल जाएगा बोले राइट शेयर मिलेगा मुझे तीस का का प्राइस कितना हो जाएगा बोले थर्टी तो भी तो मुझे 8.33 का फायदा है उतना पैसा मैं दे सकता हूं मैक्सिमम बात का समझ में सामने वाले बंदे अगर शेयर खरीदना चाहता है राइट शेयर्स तो उसको कितने का मिलेगा सर उसको मिल जाएगा तीस रुपए तीस रुपए का खरीद लेगा नो no डाउट राइट के बाद शेयर का प्राइस गिर के 38.33 हो जाएगा तो भी चलेगा तो भी तो उसको कितने का फायदा 8.33 तो वैल्यू ऑफ राइट आप ऐसे भी निकाल सकते ठीक दो तरीके ठीक है सर तो ये हमने वैल्यू ऑफ राइट भी निकाला अब बोल रहा है अज्यूमिंग राम के पास 100 शेयर्स है 100 शेयर्स तो बताइए उसकी वेल्थ पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर राम की वेल्थ कितनी है 100 40 राम के पास अभी रुपए है राइट के बाद अगर वो राइट शेयर्स खरीद लेता है तो उनकी उसकी वेल्थ पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा या फिर राइट सेल कर देता है तो वेल्थ पे फर्क पड़ेगा ना कि नहीं पड़ेगा और या फिर इग्नोर कर देता तो चलो देख लेते अभी वेल्थ कितनी है भाई अभी चार हजार रुपए अब राइट शेयर्स खरीद लिया तो राइट शेयर खरीदा पांच के बदले में एक तो सौ के बदले में बीस तो उसके पास एक शेयर्स हो गए प्राइस नो डाउट घट गया तो सर उसकी वेल्थ तो चार हजार छ सौ हो गई हाँ लेकिन राइट शेयर खरीदा है उसने अगर खरीदा है बीस शेयर्स खरीदा है तो पैसे भी तो देने पड़ेंगे तीस रुपए तो सर ये खर्च भी होगा तो सर उसकी वेल्थ तो चार हजार की चार हजार ही रही यहां तक ठीक है सर वो राइट शेयर खरीदे ना किसी और को राइट राइट शेयर्स ना खरीद के राइट किसी को बेच दे तो तो भी कोई दिक्कत नहीं उसके पास सौ की सौ शेयर्स रहेगे और राइट बेचा सौ शेयर्स पे उसके पास सर बीस राइट था तो बीस राइट एट पॉइंट थ्री थ्री के हिसाब से तो वन सिक्सटी सेवन ही आया तो उसकी वेल्थ जैसी की वैसी है दिक्कत है अगर इग्नोर करेगा तो उसकी वेल्थ थ्री एट थ्री थ्री हो जाएगी इट मीन राइट इश्यू करने से राइट शेयर इश्यू करने से उसका आपको फायदा उठाना पड़ेगा अगर आप फायदा नहीं उठाते तो आपकी वेल्थ डिक्रीज हो जाएगी या तो राइट right शेयर खरीद लीजिए तो या तो राइट right किसी और को ट्रांसफर कर लीजिए क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू हमको देखना पड़ेगा क्या ए एफ मॉड्यूल का है एस टी वाई के टू पेज नंबर फाइव पॉइंट ठीक है, ए बी सी अभी शेयर कितने का बिक रहा है तेरह रुपए और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं दस लाख और कंपनी को कितने की जरूरत है बीस लाख रुपए की और जरूरत है न्यू प्रोजेक्ट के लिए आपको बताना एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर और वैल्यू ऑफ राइट अगर दो के बदले में एक राइट शेयर इश्यू करते दो के बदले में एक तो सर शेयर्स कितने इश्यू करेंगे पाँच लाख भाई दो के बदले में एक मतलब दस लाख के बदले में पाँच लाख टोटल कितना चाहिए बीस लाख रुपए तो सर हम एक एक शेयर चार रुपए के हिसाब से इश्यू करेंगे इतनी बात समझ में आ गई ना यार सर बीस लाख चाहिए पाँच लाख शेयर इश्यू करना है मतलब सर राइट प्राइस क्या रहेगा ऑफर प्राइस चार रुपए और अब एक्स राइट प्राइस निकालना तो वेटेड एवरेज दो के बदले में एक पहले शेयर का प्राइस कितना था ऑफर प्राइस है चार, तो आ है सर वैल्यू वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं प्राइस पहले कितना था तेरह बाद में कितना हुआ दस तो तीन रुपए पर शेयर और कितने शेयर है टोटल दो दो के बदले में एक तो कितने शेयर पर लॉस हो रहा है सर दो शेयर पर लॉस होगा तो वैल्यू ऑफ राइट कितना आ गया छह रुपए ये अच्छा है सर सर पहले पर शेयर निकालेंगे और फिर देखेंगे कितने शेयर पे लॉस होगा दो शेयर पे तो वैल्यू ऑफ राइट आ गए दूसरा अगर चार के बदले में एक होगा तो ये आसान है ये तो हो ही जाएगा तो सर दस लाख ढाई लाख शेयर इश्यू करना है बीस लाख तो सर आठ रुपए है तो यहाँ बारह रुपए आ गया वैल्यू ऑफ राइट देख लिया एक रुपए या फिर चार शेयर का लॉस हो रहा है तो चार रुपए वैल्यू ऑफ राइट आ गया सिंपल है अब आगे क्या बोला सर तो आगे बोला बताइए शेयर होल्डर की वेल्थ में कोई चेंज होगा कि नहीं अगर पॉइंट नंबर वन होता है या पॉइंट नंबर टू होता है तो एज्यूम करना पड़ेगा कितने शेयर है एज्यूम किया कि शेयर होल्डर के पास मान लो सौ शेयर है मान लीजिए शेयर होल्डर के पास सौ शेयर है ठीक है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू मतलब पहले वेल्थ कितनी थी तेरह सौ और ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने राइट शेयर खरीद लिया कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा तो सर दो के बदले में एक मतलब सामने वाले के पास 150 शेयर्स हो गए और एक्स राइट प्राइस 10 आया था तो सर पंद्रह सौ रुपए की वेल्थ हो गई लेकिन राइट शेयर खरीदना पड़ा और राइट शेयर कितने के हिसाब से खरीद रहे चार के हिसाब से तो सर पचास शेयर चार के हिसाब से तो दो तो सर वेल्थ में कोई चेंज नहीं होगा ठीक है जी अच्छा क्वेश्चन प्लीज देख लेना नाइन्टी थ्री कट कर सकते हो कि बिल्कुल कट कर सकते हो 94 फोर कट कर सकते हो कि यस बिल्कुल कट कर सकते हो नाइन्टी फाइव भी मैं क्या कर रहा हूँ कट 96 सिक्स भी कट आपके पास टाइम हो तो कैलकुलेटर जरूर चला लेना नाइन्टी अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है प्लीज़ देख लेना इसमें क्या नहीं दिया था उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया था अच्छा क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया था उन्होंने ये दे दिया था यह भी दे दिया था पर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया तो एक्स लेकर कर लिया था तो प्लीज इस क्वेश्चन को देख लेना एक बार अच्छा क्वेश्चन है बन जाएगा यार ही तो करना है ओके अब एक टॉपिक आया जिसका नाम है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बाई बैक हो गया वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ओके तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि की क्वेश्चन आठ नंबर का छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन और ये टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ये टॉपिक एमसीक्यूज वाला है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है क्या होता है कुछ नहीं शॉर्ट टर्म के लिए हमको पैसा अरेज करना है शॉर्ट टर्म के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है सीधी सी बात है शॉर्ट टर्म के लिए मतलब हम गवर्नमेंट की या पीएसयू की या फिर कंपनी की ऐसी सिक्योरिटीज खरीदे कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हमें एक साल से कम कम के लिए हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इन जगह पैसा लगा सकते हैं और उसमें से सबसे पहले बात होती है टीबिल बिल. है। है? क्या तीन सौ पैंसठ दिन से कम के लिए हाँ और टीबिल इश्यू होता है डिस्काउंट और रिडीमेबल हमेशा होता है ठीक है अब इसमें याद करने वाली क्या चीज है एक शब्द है इन्वेस्टमेंट और एक शब्द है डिस्काउंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिंपल सी बात है कि सर इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने यहां कितना पैसा लगाया प्राइस प्राइस आज का प्राइस बाकी तो ये तो परसेंटेज आपको निकालना आता सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा सर होल्डिंग पीरियड रिटर्न ना हाँ होल्डिंग पीरियड और डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है तो यहां फेस वैल्यू आएगा बस दो चीजें बारीक क्या है यहां अगर इन्वेस्टमेंट यील्ड बोलेगा तो यहाँ प्राइस होगा आज जितना पैसा लगा रहा है अगर डिस्काउंट यील्ड बोलेगा तो यहाँ फेस वैल्यू क्वेश्चन नंबर हंड्रेड वैसे ही है टीबिल का प्राइस है नाइन नाइन फोर जीरो और फेस वैल्यू है टेन थाउजेंड आपसे क्या मांग रहा है बोले एक तो डिस्काउंट यील्ड और एक क्या मांग रहा है इन्वेस्टमेंट यील्ड इन्वेस्टमेंट रेट तो इन्वेस्टमेंट रेट के लिए यहाँ प्राइस आ जाएगा और डिस्काउंट के लिए यहाँ फेस वैल्यू आ जाएगा नो no डाउट कि फेस वैल्यू पर रिडीम्ड होने वाला है सर यहाँ हम वन ईयर इज इक्वल टू तीन सौ साठ दिन ले सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन में 5000 हजार है और आपको डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट में यहाँ फेस वैल्यू आएगा सब दिया पी मांगा तो पी निकाल लेना नंबर 5.1 हमारे आईसीए का क्वेश्चन सर आर बी कर रहा टी बिल फेस वैल्यू पर रिडीम्ड होता है मतलब सर ये हमको मालूम है यील्ड मालूम है छः परसेंट पर सर ये यील्ड कौन सा दिया है डिस्काउंट की इन्वेस्टमेंट अगर कुछ भी नहीं मालूम तो हमेशा इन्वेस्टमेंट यील्ड दिया रहता ओके okay, तो नीचे क्या जाएगा प्राइस बाकी आप कर लोगे तो सर ये आ गया नाइनटी ठीक और सर जो हम पढ़ते थे बॉन्ड में वो कौन सा यील्ड था जितने भी यील्ड है वो सब इन्वेस्टमेंट यील्ड थे हालांकि हम उसको वाई भाई इन्वेस्टमेंट ही तो हमने कितना पैसा लगाया डिस्काउंट यील्ड मांग होता नहीं है एक्चुअल में ठीक है पर हो सकता है इंस्टीट्यूट कभी दे दे क्वेश्चन नंबर वन वन फाइव ये भी हमारे ए का क्वेश्चन है टी के ट्वेंटी हमारी बुक का क्वेश्चन है ठीक है तो भाई कैश है कितना कैश है बोले बीस लाख कैश है और एक्सपेंसेस कितना होने वाला है पचास हज़ार और सिक्योरिटी जिसमें भी हम पैसा लगा रहे हैं वो कितना परसेंट कमा कर देगा नाइन परसेंट तो बताइए कितने पीरियड के लिए हम इन्वेस्टमेंट करें कि पांच परसेंट रिटर्न हो जाए सर बीस लाख का पांच परसेंट बीस लाख का पांच परसेंट कहाँ से आया अच्छा सर यहाँ एस टू बीस लाख का पाँच परसेंट हमको कमाना है मतलब सर हमको एक लाख रुपए कमाना है और साथ में हमको पचास हजार और कमाना पड़ेगा क्यों अर्थ तो सर हमको एक लाख पचास हजार कमाना है जिस भी जगह इन्वेस्टमेंट करने वाले हो बीस लाख नाइन परसेंट के हिसाब से बीस लाख नाइन परसेंट के हिसाब से वो कितने दिनों में कमाए कि हमारी टोटल इनकम एक लाख पचास हजार हो जाए बड़ी सिंपल सी बात है वो पूछ रहा मंथ बताओ कितने मंथ में हमारा एक लाख पचास हजार हो जाएगा और आंसर आ गया मंथ सर मिनिमम पीरियड फॉर कम्प ब्रेक इवन इट्स इन ब्रेक की वन मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकम नहीं भी चाहिए हमें एक लाख रुपए नहीं कमाना हमको सिर्फ पचास हजार कमाना तो कितने पीरियड में कमा सकते हैं सर वो तो शायद कर लिया होगा आपने इसमें मेरे पास नहीं है वो होमवर्क है पचास हजार कितने महीने में जब एक पचास कितने महीने में दस महीने में तो बताओ पचास हजार कितने महीने में सर आराम से कम। एट एट में आया था मई दो हजार उन्नीस में क्वेश्चन अच्छा है, जो है वो फोर्टी फाइव डेज के लिए होल्ड करना डिस्काउंट दिया है छह परसेंट याद रखना डिस्काउंट फेस वैल्यू पर होता है छह परसेंट पर एन एम तो फोर्टी फाइव डेज का निकल जाएगा पॉइंट सेवन फाइव परसेंट इट इज एक्सपेक्टेड दैट जो करेंट मतलब वो डिस्काउंट की बात करो वो इंक्रीज हो जाएगा दो सौ बीसिस पॉइंट से मतलब दो परसेंट से तो फोर्टी फाइव डेज का वन परसेंट तो सर देखा जाए तो पीरियोडिकल्ड पॉइंट सेवन फाइव से वन परसेंट बड़ा मतलब टू फाइव परसेंट है यस है है और ये जो मान लो ये दो रुपए पचास पैसे के बराबर है तो बताओ क्या आएगा सर फेस वैल्यू आएगा पॉइंट टू फाइव परसेंट दो रुपए पचास पैसे चेंज इन करेंट मार्केट चेंज इन डिस्काउंट तो सर फेस वैल्यू बॉन्ड आ जाएगा और फेस वैल्यू कितना आ गया एक हजार मतलब क्या कहना चाहता बोले ये जो दो रुपए पचास पैसे है ना वो किसके बराबर है बोले पॉइंट टू फाइव परसेंट के बराबर है तो बताओ फेस वैल्यू क्या आएगा फेस वैल्यू कितना आएगा एक हजार रुपये फेस वैल्यू हो जाएगा सिंपल है कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया कॉपी में देख लेना वहां हमने और भी कुछ कैलकुलेट और सर बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड को क्या बोलते इसी को बोलते इन्वेस्टमेंट यील्ड मतलब सर नीचे क्या आएगा नीचे आएगा प्राइस और सर प्राइस क्या है वो नहीं मालूम तो देखना पड़ेगा छः परसेंट पे क्या प्राइस है सर छह परसेंट पे प्राइस है नौ सौ बयानवे पॉइंट फाइव जीरो और तो नीचे नौ सौ बयानवे पॉइंट फाइव जीरो तो ये आ गया बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वीवेंट ये किसका निकालना पड़ेगा आपको आठ परसेंट पे पहले बॉन्ड का प्राइस निकालना और फिर बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड ठीक है सर टी बिल हमको थोड़ा बहुत समझ में आया कुछ है नहीं है अब दूसरा कॉमर्शियल पेपर कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करता है सर कॉमर्शियल पेपर इशू करती है कंपनी और किसके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए ठीक है ये भी इश्यू किस पे होता है डिस्काउंट और रिडीमेबल एट होता है फेस वैल्यू पर कॉमर्शियल पेपर इशू करते तो कुछ खर्चे भी होते हैं खर्चे क्या होते हैं सर ब्रोकरेज लग जाता है हाँ ब्रोकरेज लगेगा कंपनी को यार किसी प, आ, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ही कॉमर्शियल पेपर इश्यू करोगे यस ब्रोकरेज दूसरा सबसे दिक्कत है स्टैंप ड्यूटी लगना है और तीसरा आपकी कंपनी को कि कॉमर्शियल पेपर खरीदे क्यों रेटिंग चार्जेस लगेगा ओके ये भी खर्चे होते इसके अलावा तो कॉमर्शियल पेपर का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन है वन जीरो थ्री जो इंटरेस्ट लगना है लगेगा उसके अलावा ये खर्चे देखें फ्राम द फॉइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मतलब सब मिलाकर एज वेल एज द टोटल कॉस्ट ऑफ फंड इफेक्टिव रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है सिर्फ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ फंड बोले इश्यू प्राइस है नाइनटी सेवन फाइव फाइव जीरो फेस वैल्यू एक लाख पीरियड है थ्री मंथ तो ने, नीचे आएगा उसके हिसाब से टेन पॉइंट जीरो फाइव परसेंट निकालिए निकाल सकते हो आप कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अलावा ब्रोकरेज है तो ब्रोकरेज पर एनुअल ले लिया मैंने सर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आया ब्रोकरेज ले लिया ब्रोकरेज के अलावा सर रेटिंग चार्जेस है रेटिंग चार्जेस लग गए इसके अलावा स्टैम्प इस ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी लग गया तो टोटल मिलाकर आ गए एलेवन पॉइंट एट फाइव परसेंट पर और इसको हमने क्या नाम दिया दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ आ सकता है एम सी क्यू ठीक है वन वन सिक्स होमवर्क दिया था रेपो ये थोड़ा सा टेक्निकल माना जाता है बच्चे लोग डरते हैं इससे पता नहीं क्यों डरते समझा दो ना प्लीज हाँ समझा दे रहा हूँ रेपो का मतलब होता है रिपर्चेस ऑब्लिगेशन सर ये क्या होता है दो तो बैंक है एक बैंक को पैसों की जरूरत है तो वो क्या करता है ऐसे ही पैसे नहीं मिलते तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए एक दिन दो दिन चार दिन सात दिनों के लिए पैसों की जरूरत है तो एक बैंक क्या करता है अपने पास कुछ बॉन्ड्स हो गए वो बॉन्ड्स बेच देता है और ये ये बोलकर दूसरी बैंक को बेच देता है बेचेगा तो पैसा मिल जाएगा और साथ में ये भी बोलेगा ये भी एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि ठीक सात दिनों बाद हम आपसे ये वापस परचेस कर लेंगे दिस इज ऑब्लिगेशन तो मतलब ये गिरवी ही रख रहा है अमाउंट आप ऐसा मोल लो लेकिन यहाँ एक्चुअल में बेचते हैं और फिर वापस खरीद लेते हैं तो सर है क्या इसको बैंक एक को पैसों की जरूरत है और बैंक भी देने को तैयार है कितने परसेंट के हिसाब से पांच परसेंट के हिसाब से ये भी ठीक है अब इसके पास बॉन्ड्स देखो बॉन्ड्स रखे जिसका नॉमिनल वैल्यू है अस्सी लाख आठ मिलियन लिखा है मतलब अस्सी लाख और कूपन कितना है उसका टेन परसेंट अब सवाल ये है प्राइस क्या चल रहा है यहां प्राइस प्राइस चल रहा है नाइनटी नाइन पॉइंट थ्री फाइव मार्केट में उस बॉन्ड का जब सर जब बॉन्ड्स खरीदा था वो यहां खरीदा था अभी नाइनटी फाइव डेज हो चुके हैं तो यहां प्राइस क्या चल रहा है नाइनटी नाइन पॉइंट थ्री फाइव दिया रहेगा इसको बोलता क्लीन प्राइस सर क्लीन प्राइस क्यों बोलते क्योंकि इसमें वैसे तो इस बॉन्ड का एक्रूड इंटरेस्ट डेज का है वो भी जोड़ना चाहिए हाँ सर अगर वो भी जोड़ दूंगा तो वो जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा डर्टी प्राइस ओके अगर मैं 99.35 नाइन पॉइंट थ्री फाइव में सौ रुपए फेस वैल्यू है उसका दस परसेंट नाइनटी फाइव डेज का जोड़ दिया तो ये आ गया एक सौ एक पॉइंट नाइन नाइन इसको कौन सा डर्टी अब मैंने कहा कि अब सुनो मैं यहाँ की वैल्यू निकालना मैं बॉन्ड दे रहा हूँ ना यहाँ तो वैल्यू कितनी है वैल्यू तो सर वैल्यू कैसे निकालोगे भैया अस्सी लाख है फेस वैल्यू है सौ और डर्टी प्राइस एक सौ एक पॉइंट नाइन नाइन तो क्या हमारा डर्टी प्राइस निकल सकता है सर एक सौ एक पॉइंट नाइन नाइन अब मैं कितना पैसा उधार लूंगा बॉन्ड्स जो दे रहा हूं उसका वैल्यू कितना सर अस्सी लाख सौ एक सौ एक पॉइंट नाइन नाइन मैं सामने वाले के पास गया पैसों के लिए वो बोलता ठीक है जो बॉन्ड का वैल्यू हम पूरा थोड़ी देंगे तो आपका आ, मार्जिन लगेगा मार्जिन बोल सकते हो या फिर आपका कुछ ना कुछ वो पूरा पैसा नहीं देता है तो सर शब्द 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 क्या यूज होता है में बता देता हाँ मार्जिन ही यूज होता है इनिशियल मार्जिन लग जाएगा बोले दो परसेंट हम आपको पूरा नहीं देंगे तो दो परसेंट काटने के बाद सामने वाला आज हमको इतना पैसा देगा इसको बोला जाता फर्स्ट लैक ये क्यों आया मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है तो बोलो हमें कितना पैसा मिलेगा सर हमें मिलेगा इतना पैसा कितने दिन के लिए बोरो कर रहे थे सर बारह दिन के कितने परसेंट के हिसाब से पाँच परसेंट के सबसे? अब जब आप वापस करोगे इसको बोलते सेकेंड लैक इसको क्या बोलते ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करता है रेपो इसको बोलते रिवर्स रेपो ये सब बताया था मैंने पर अभी टाइम नहीं तो सर आगे काम करें क्या? Yes. Repayment कितना करो के काम करे क्या यस रीपेमेंट कितना करोगे सर कुछ नहीं है जो उधार लिया था पांच परसेंट बारह दिन का ब्याज मिलाकर रीपेमेंट कर तो क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन टी वाई के थर्टी वन पेज नंबर फाइव पॉइंट फोर जीरो आपका ए एफ एम के मॉड्यूल का हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन ठीक है question number 101, बैंक ए एंटर इनटू रेपो फोर्टीन डेज फोर्टीन डेज के लिए उधार चाहिए विद बैंक बी इन टेन परसेंट बॉडी बॉन्ड कौन सा रखा बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कितने रुपए का रखा है आठ करोड़ का रखा है और उसपे जो उधार लिया जा रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फाइव परसेंट क्या क्लीन प्राइस नंबर ऑफ डेज बता दिया कि नंबर ऑफ डेज है टू टू डेज आपको पता है कि पूरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने एक साल में तीन साठ दिन लिया है यस तो पूरा तीन साठ के हिसाब से करो तो तीन पहले क्या निकालना डर्टी प्राइस तो भैया क्लीन प्राइस कितना है 99.42 तो निकल जाएगा तो 99.42 नाइन सौ का दस परसेंट और दो सौ बासठ दिन को सर ये आ गया हमारा कौन सा डर्टी प्राइस अब पैसा कितना लोगे तो सर पैसा नॉमिनल वैल्यू डर्टी प्राइस डिवाइडेड बाय हंड्रेड और सौ माइनस मार्जिन मतलब सर ये नाइनटी एट परसेंट यस इतना हमको उधार मिलेगा सर वापस कितना पड़ेगा बोले ये जो उधार लिया था इसमें फाइव पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट ऐड कर देना इंटरेस्ट का और कितने दिनों का ऐड कर देना कितने दिन के लिए उधार ले रहा है फोर्टीन डेज का ऐड कर देना तो रीपेमेंट आ जाएगा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है सिंपल है रीपेमेंट आ जाए क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर नहीं करवा रहा हूँ वन ज़ीरो टू आप देख लेना अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। मैं मुझे तो ये एल डी आर में डाल दो आप कर सकते हो कर सकते हो ये मैंने करवाया हूँ मैंने कॉन्सेप्ट करवा दिया ना तो ये क्वेश्चन इसमें क्या आप मांग रहा है सर इसमें ये एक्स क्या चीज़ है वो डेज मांग रहा है वो तो आप निकाल सकते हैं ठीक है सर इसमें आपको डर्टी प्राइस दे आपको पहला दे दिया दूसरा दे दिया तो इन दोनों के हेल्प से आप ये वाला निकाल सकते हो ठीक है रेपो रेट मांग रहा है रेपो रेट रेपो रेट समझ रहे हो ना हाँ सर रेपो रेट हम समझ रहे निकाल कर लोगे क्वेश्चन प्लीज कर लेना ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं करवा रहा ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन रेसिडल में है क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन टी वाई के ट्वेल्व पेज नंबर फाइव पॉइंट ठीक है अच्छा क्वेश्चन है दिस इज अकाउंटिंग वैल्यूएशन कुछ नहीं है भाई अगर मैं पूरी स्टेटमेंट के बाद सीधा बोल रहा है बोले इनकम स्टेटमेंट बनाइए चलो इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं अब इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है सेल्स अब सेल्स नहीं दिया लेकिन हमको एक तो टोटल एसिड दे दिया है और एसिड टर्न ओवर इशू दिया है और एसिड टर्न ओवर एशू का फॉर्मूल क्या है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसिड तो सर इससे सेल्स निकल आया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना परसेंटेज है सर ऑपरेटिंग मार्जिन है टेन परसेंट तो एक्सपेंसेस कितना बनाया होगा सर सेल्स लिखा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा तो ई आ गया सर इंटरेस्ट भी तो है अब इंटरेस्ट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी कि सर एक का आठ और पचास का दस भैया तो पचास का दस परसेंट कैसे ले सकते हो ये दो हजार आठ बॉन्ड इश्यू हुए दो हजार सात तो कौन से मंथ में इश्यू हुए कैसे बता सकते हो इसलिए क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने कहा कि आप ज्यादा दिमाग मत चलाओ आप इन दोनों को ऐड कर देना और हम आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बता दे रहा है आठ परसेंट तो इन दोनों को ऐड करके सिर्फ आठ परसेंट से मल्टीप्लाई कर देना ज्यादा आपको दिमाग नहीं चलाना है. तो ये आ गया मेरा इंटरेस्ट ईबीटी आ गया टैक्स माइनस किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है क्वेश्चन में तो सर ये आ गया रिटर्न इनकम स्टेटमेंट बोला था इनकम स्टेटमेंट बन गया सर तो उसके बाद उसने ग्रोथ रेट बोला है और आर हमने निकालना सीखा अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरा ग्रोथ रेट फिर पी जीरो मांगा बना लोगे ग डी D1 D1 वन कहां है डी वन कहा सर फिफ्टी टू से आ टेन डी टू नहीं सर डिविडेंड की बात करो ना 5.20 5.20 डिवाइडेड बाय 10 तो सर 0.52 आ गया D0 और फिर 1 प्लस जी करके आंसर निकाला तो आंसर कितना सिक्स पॉइंट और एक्चुअल प्राइस क्या है भाई सर एक्चुअल प्राइस है फोर्टीन तो बताओ शेयर अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है सर ये तो ओवर प्राइस दिख रहा है ये क्वेश्चन भी करना पड़ेगा आपको आ सकता है वन वन रिपीट क्वेश्चन है वन वन टू ये भी रिपीट क्वेश्चन है होमवर्क खूब करवाया हूँ मैंने आपसे पता है ना आपको और ये वाला क्वेश्चन है यह है कैपिटल स्ट्रक्चर का मैं यहाँ करवाने वाला हूँ रिवीजन में पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या हो गया था जो उन्होंने सीए इंटर का क्वेश्चन यहाँ पूछा आगे चांसेस नहीं है पर मैंने करवा दिया था आपको याद दिलाया था आगे चांसेस नहीं है ये वाला क्वेश्चन ओके okay. बाकी नोट्स आपके पास है देखना है तो देख सकते तो वैसे अगर मैंने क्लास की बात कर रहा तो करवाया सभी रिविजन में मैं उतना डीप में नहीं जा सकता टाइम ज़्यादा वैसे देखो कितना टाइम हो गया ओके okay. अगर मैं कहूँ कि अब अगला टॉपिक कल आएगा यस पक्का डेली आएगा अब पक्का डेली आएगा आ, आपको क्या करना है अब हमारा सर इसमें कुछ रेशियो के क्वेश्चन हाँ बाकी है सर टाइम स्ट्रक्चर वो भी बाकी है और एक चैप्टर आएगा सिक्योरिटी एनालिसिस तो कल जो होगा वो सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर होगा जिसमें रन टेस्ट वगैरह करवाऊंगा उसके साथ यील्ड करो करूं भी करवा दूंगा उसके साथ रेशो के क्वेश्चन भी करवा दूंगा और उसके बाद अगले दिन आएगा बिजनेस वैल्यूएशन अगले दिन या एक दिन बाद बिजनेस वैल्यूएशन मतलब कॉर्पोरेट वैल्यूएशन विद अमेंडमेंट ठीक है एक दिन बाद आएगा भाई अमेंडमेंट के साथ में सर एक काम कर रहा हूँ ना पार्ट वन में पहले जो था वो कर देना और पार्ट टू में अमेंडमेंट डाल देना वो भी चलेगा और संडे को टेस्ट होगा इन तीन चैप्टर का संडे से पहले पहले ये ख़त्म होगा और संडे को टेस्ट होगा ठीक है जी और जिन लोगों को पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का टेस्ट देना है उसका मैं यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में इसी इसी में डाल देता हूँ सजेस्टेड कल डाल दूंगा प्लीज़ टेस्ट पेपर मुझे मत पहुँचाना क्योंकि मेरे पास मेरे ही स्टूडेंट्स के बहुत सारे टेस्ट पेपर आ चुके हैं तो मुझे चेक करने में टाइम लगेगा बाकी यार सजेस्टेड है तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हो ठीक है जी ओके और चेक मुझे ही करना है मुझे बताना पड़ेगा बच्चों को तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगे थैंक यू सो मच बाय बाय कल बात करेंगे ये वाला चैप्टर यहाँ खत्म हो चुका है कल बात करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस करके एक टॉपिक है उसकी